Good evening, students. This call is now being recorded. So, good evening, sir. Good evening. Today, in previous अगर आप लास्ट क्लास का देखेंगे, हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल की 3 फाइंडिंग्स थी, जिनको बाद में 2 लॉ में कन्वर्ट किया गया। दोस फाइंडिंग्स पर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर, वेयर वन कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय ए वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, इस तरीके से कहा गया था। सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जो आगे जाके लॉ ऑफ डोमिनेंस बना। एंड थर्ड इज सेग्रीगेशन, और वो भी आगे जाके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहलाए। फिर हमने एक डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, इफ मोर देन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेके क्रॉस करते हैं तो डाईहाइब्रिड एंड सो ऑन, ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, इस तरीके से वर्ड आएंगे। एंड व्हेनेवर मोर देन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस बनेगा। Where alleles are free to recombine, free to reshuffle, free to independently assorted. और यहाँ से भी आगे जाके एक क्रॉस बना, एक लॉ बना, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन कहलाया। फ्री रिकॉम्बिनेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि जब हम रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी दी जाती है, और क्योंकि क्रॉस ओवर वैल्यूज जो निकल के आएंगी रिकॉम्बिनेंस के फॉर्म में थी। डिस्कस किया था 6/16 आउट ऑफ 16 ने डाईहाइब्रिड क्रॉस ये आपने बनाया था, सिर्फ रिवाइज करने के हिसाब से कि हमें इसकी जरूरत है। सो दिस इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे तो 16 में से 6 ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, जो पेरेंट्स का कैरेक्टर नहीं थे, उनको हमने लिखा था जैसे राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, और जो पैरेंटल था वो 10/16 मिला था, और उसके बेस पे कंक्लूड कर लिया गया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडलिज्म इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। कुछ चीजें और भी हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में तो वो चीजें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें उनकी जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्राईहाइब्रिड क्रॉस भी करते, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस तो किया हुआ है, और अगर आप ट्राईहाइब्रिड क्रॉस भी करेंगे तो क्या क्या आएगा? ट्राईहाइब्रिड के क्रॉस के केस में 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो जाएंगे। F1 में तो डोमिनेंस ही फॉलो होगा, बिकॉज वो रूल है कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर आएगा और रिसेसिव हिडन है, और F2 जनरेशन में रिसेसिव करेक्टर अपीयर होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के तरीके से। अगर डाईहाइब्रिड है, देन द रेशियो विल बी 9:3:3:1. ट्राईहाइब्रिड है तो रेशियो कुछ और आएगा। तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर जब भी किसी कॉम्बिनेशन में हमें नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप या नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेट करने होते हैं तो उनको हम एक बेसिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो हमारे काम का है, वो फार्मूला हमें जरूरी है कि हम उसे याद रख सकते। F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा और वो हेटरोजाइगस होगा, जिसे पिछले क्रॉस में आपने लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा और वो हेटरोजाइगस सिचुएशन में है। ये किस तरीके से पता चलेगा? टेस्ट क्रॉस से। तो पहले हम एक डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करके देख लेते हैं कि अगर डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा। आपने मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया, उसी तरीके से ये डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। डाईहाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस क्या कहलाता है? F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से, है ना। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सारी पॉसिबिलिटी देखा था कि हम अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेरेंट है हमारे पास, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और है जो कंडीशन होमोजाइगस या हेटरोजाइगस हो सकती है, हमने उस पॉसिबिलिटी को भी देखा। और उन 4 में से फिर हमने कंक्लूड किया कि अगर F1 में
रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करा के टॉल एंड डॉर्फ का रेशियो 1:1 आया, तो इसका मतलब है कि F1 हेटरोजाइगसी होगा। तो अब हम इसे मान लेते हैं, ये रूल है कि F1 में हेटरोजाइगस सिचुएशन होगी। अगर F1 हेटरोजाइगोट का क्रॉस आप रिसेसिव पेरेंट्स से करेंगे तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। जैसे आपने मोनो हाइब्रिड के लिए किया था, अभी हम डाई हाइब्रिड के लिए करने वाले हैं ना। हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, अगर हम F1 हाइब्रिड लें दिस, अगर हम F1 हाइब्रिड लें और उसका क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट से करें, हमने पढ़ा था कि इस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। F1 हाइब्रिड हमारे पास क्या है? हेटरोजाइगोट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका रिसेसिव पेरेंट क्या है? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। तो ये क्या बन जाएगा? डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। अब यहां से हमने लिखा था कि जब इनसे गैमीट्स बनेंगे तो फोर पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब जैसे ये गैमीट्स आपने बनाए ना, राउंड येलो हेटरोजाइगोट है, इसके आप गैमीट्स बना दे तो ये पॉसिबिलिटी गैमीट से निकल के आएगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बना। फोर गैमीट्स बन गए, और यहां से जो गैमीट बनेगा वो एक ही बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब आप क्रॉस कराएंगे, चेकर बोर्ड बनाते हैं तो फोर का फ्लोर से क्रॉस होता है, मेल का फीमेल से क्रॉस करना होता है, सेल्फिंग होता है। यहाँ पे तो फोर गैमीट्स बनेंगे इस कॉम्बिनेशन से और इस कॉम्बिनेशन से, तो एक ही आएगा। जब आप क्रॉस कराएंगे तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ कि अगर इसका क्रॉस आपने इससे किया तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, इसका क्रॉस भी अगर आप इससे करेंगे तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। अगर थर्ड वाले का क्रॉस इससे करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, और लास्ट वाले का क्रॉस भी अगर आप इससे करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और कोई पॉसिबिलिटी तो आएगी, सब बराबर बनेंगे 1:1:1:1। इसका मतलब है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1:1:1, 25% ईच, या 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ बनेंगे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जीनोटाइप भी 4 आपको मिल रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग टू दैट अगर आप इनके फिनोटाइप देखेंगे तो भी ये 4 ही आएंगे। तो जैसे डाई हैबिट अगर F2 रिजल्ट जाएंगे आप ये एक्सक्यूज मी सर, यस सर, बीच बीच में स्क्रीन ब्लर हो रही है। ओके मैं चेक करता हूँ क्या अभी, तो ओके दिखा रहा है मेरे। So, अगर हम डाईहाइब्रिड में F2 जनरेशन में जाते हैं तो ये 9 जीनोटाइप्स थे, 4 फीनोटाइप्स थे। पर अगर आप इसको टेस्ट क्रॉस में ले जाएंगे जो अभी हमने पढ़ा, वहां पे 4 हमारे पास जीनोटाइप हैं और 4 ही फीनोटाइप्स होंगे, है ना। अगर आप इनको फीनोटाइप में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? बिकॉज कैपिटल आर कैपिटल वाई इज देयर, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये राउंड येलो होगा। कैपिटल आर है तो करेक्टर राउंड आएगा, बट कैपिटल वाई नहीं है। स्मॉल आई स्मॉल वाई स्मॉल वाई किसको गवर्न करता है? ये ग्रीन को गवर्न करता है, तो ये राउंड ग्रीन हो जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है तो स्मॉल आर गवर्न करता है रिंकल्ड को, और यहाँ पे कैपिटल वाई है तो किसको गवर्न करेगा? येलो, और स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये हो ही गया आपका, रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है।
सो जीनोटिपिक एंड फीनोटिपिक रेशियो विल बी सेम, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जीनोटाइप और फीनोटाइप सेम हो जाएगा. तो ये डाई हैबिट का टेस्ट क्रॉस है. आपको याद ये रखना है कि डाई हैबिट के टेस्ट क्रॉस में इक्वल प्रोबेबिलिटी में फोर फीनोटाइप एंड फोर जीनोटाइप्स मिलते हैं, दैट इज 1:1:1:1. जबकि अगर हम डाई हैबिट की एफ टू जेनरेशन में जाते तो जो पैरेंटल थे राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये पैरेंटल है, ये मिले थे हमें 10/16 और यहाँ पे आपको मिला था 6/16. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, 50-50% हो गए ना, पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट 50% हो गए. चाहे आप डाई हैबिट का टेस्ट क्रॉस करिए या डाई हैबिट की एफ टू जनरेशन में जाइए, रिजल्ट में रेशियो अलग अलग हो गया 9:3:3:1, और अगर टेस्ट क्रॉस है तो 1:1:1:1. अगर एफ टू जनरेशन में है तो 9 जीनोटाइप 4 फीनोटाइप्स, अगर टेस्ट क्रॉस है तो 4 जीनोटाइप एज वेल एज 4 फीनोटाइप्स. इस तरीके से रिजल्ट निकल के आएंगे और इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या इनसे क्वेश्चन आपने किए होंगे डीपीपी में किए होंगे. तो टेस्ट क्रॉस अभी डाई हैबिट के तो नहीं थे, बाकी क्वेश्चन आपने किए होंगे तो पैरेंटल या रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप फीनोटाइप ये सब निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद है. अब हम बात करते हैं कि किसी भी अननोन कॉम्बिनेशन में अगर आपको कुछ निकालना है तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे, उस चीज को देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर आपको नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने हो या नंबर ऑफ फीनोटाइप्स निकालने हो, इन दोनों का फॉर्मूला होता है 2n, और अगर आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने हो तो फॉर्मूला होता है 3n. n क्या है, n इज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब हेटरोजाइगोट्स. तो आपको किसी भी अननोन कॉम्बिनेशन में अगर कभी नंबर ऑफ गैमीट फीनोटाइप या जीनोटाइप निकालना है तो आप 2n, और अगर जीनोटाइप्स हैं तो 3n इससे निकाल सकते हैं. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स और हेटरोजाइगोट. इस फार्मूले से निकाल के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एग्जाम्पल करा देता हूँ, तो मान लेते हैं कि एक कॉम्बिनेशन, अब जैसे अगर आप मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड का ही पढ़ो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट कितना है, 1. नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 2^1 यानी 2. आपने गैमेट बनाए थे, 1 इज कैपिटल टी अदर इज स्मॉल टी, ओनली 2 गैमेट्स आर देयर. फीनोटाइप कितने बने थे, ओनली 2, दैट इज टॉल एंड डॉफ. बट जीनोटाइप्स कितने थे, 3^1 करेंगे तो 3 आएंगे, और उनके क्या क्या कंडीशन थी, कैपिटल टी स्मॉल टी. ये मोनोहाइब्रिड था तो ये वर्क कर जाएगा. ऐसे डाईहाइब्रिड में नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने होते हैं, 2. तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 2^2 यानी कि 4. आपने 4 गैमेट्स बनाए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से 4 गैमेट्स बने. नंबर ऑफ फीनोटाइप कितने होते हैं, 4, ये लिखे हुए हैं. बट नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालेंगे तो 3^2 यानी कि 9 आएंगे. आपने पढ़े थे ये 9 टाइप के जीनोटाइप्स है. इसी तरीके से अगर कोई अननोन सिचुएशन है, ये तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड आप डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, वहां से डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बट किसी अननोन कॉम्बिनेशन के लिए निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई. अब आपसे कहा जाए कि इस कॉम्बिनेशन में आपको नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने हैं या नंबर ऑफ फीनोटाइप निकालने हैं या नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे. आपको देखना क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स और हेटरोजाइगोट. हेटरोजाइगोट कितने हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है. अपेरेंटली तो लग रहा है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर्स हैं, तो पेंटा हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, बट एक्चुअली ये पेंटा हाइब्रिड नहीं है. यहाँ पे कंट्रास्टिंग ट्रेट कितने हैं,
three, capital B small b heterozygote होता है, capital D small d, capital E small e, तो उसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, ट्राई हैबिट के जैसा। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट कितने, थ्री। तो अगर आप नंबर ऑफ गैमेट्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर एन होता है, सॉरी नंबर ऑफ गैमेट्स निकालेंगे तो टू की पावर एन, टू की पावर एन का मतलब टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री का मतलब कितना आ जाएगा, एट टाइप्स के बन जाएंगे, ये आंसर हो गया। एट फीनोटाइप्स भी आ जाएंगे, और अगर जीनोटाइप है तो थ्री की पावर एन यानी थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर थ्री का मतलब हो गया 27, तो 27 डिफरेंट टाइप के आ जाएंगे। तो अब क्योंकि मैथमेटिक्स है तो आएंगे 27, आपको 27 को याद नहीं करने, बस आपको ये याद रखना है कि किसी भी अननोन कॉम्बिनेशन में जब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट हमें पता चल जाएगा तो हम नंबर ऑफ गैमेट, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप उस कॉम्बिनेशन में निकाल सकते। बस ये हमेशा याद रखिएगा कि अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा वो एज पर मेंडल पढ़ा है, अभी तक हमने उन ट्रेट्स या उन पैटर्न को स्टडी किया जो मेंडलिज्म को फॉलो करते हैं, जहाँ पे डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारी बातें फॉलो होंगी। अगर ये बातें कहीं पे फॉलो नहीं होती, जैसे हम आगे जाएंगे तो नॉन मेंडलियन चीजें भी पढ़ेंगे, तो उन नॉन मेंडलियन सेक्शंस के अंदर ये रूल नहीं आएगा, है ना। ये रूल तब तक अप्लाई होगा जब तक मेंडलिज्म फॉलो। तो ये हो गया हमारा मेंडल और उनके एक्सपेरिमेंट और उनके कंक्लूजन के बारे में। आप इसे बोल सकते हैं कि हमने मेंडलियन प्रोस्पेक्टिव पढ़ लिया कि एज पर मेंडल किसी भी ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड का और डाईहाइब्रिड का, और नंबर ऑफ गैमेट, फिनोटाइप और जीनोटाइप किसी अननोन कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे, हो सकता है। यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा वो एज पर मेंडल वर्क करेगा, ठीक है। अब मेंडल ने अपना काम किया 1900 में, उसको रीडिस्कवरी का एरा माना गया, फिर उसके बाद से और लोगों ने काम किया, जैसे जैसे मेंडल पे वर्क होता गया और प्लांट्स एंड एनिमल्स पे काम होता गया, वैसे वैसे मेंडल के रिजल्ट से कुछ डेविएशंस मिलने लगे, कुछ ऐसी चीजें भी या कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए जिन कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए मेंडल का तरीका वर्क नहीं करता। तो जहां जहां मेंडल का तरीका वर्क नहीं करता वो नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स का पार्ट बन गया, वहां से मेंडल का रूल फॉलो नहीं होता, उसे आप डेविएशंस मान सकते हैं ऑफ मेंडलिज्म, क्लियर। तो अब हमें बल्क टॉपिक क्या पढ़ना है, जहां जहां मेंडल का रिजल्ट फॉलो नहीं होता उस चीज को देखना है। ये क्लियर है, यहाँ तक पूरा हमने मेंडल के बारे में पढ़ा कि मेंडल ने क्या कहा था, किस तरीके से उसको करना है। सर, मेंडलिज्म का मतलब कि दो कैरेक्टर्स आपस में इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं। हाँ, दो कैरेक्टर आपस में इंटरलिंक नहीं कर रहे, लिंकेज, इफ इंटरलिंक का मतलब आगे जाके हम लिंकेज बोलेंगे, तो लिंक्ड कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। इंटर, जैसे आपने बोला कि दो कैरेक्टर लिंक नहीं कर रहे, तो उसको अगर हम एक टर्म में लिंकेज बोलते हैं तो मेंडेलियन पैटर्न लिंकेज को शो नहीं करता, ये रूल आ जाएगा। और अगर सिंगल कैरेक्टर है तो कोई इशू है ही नहीं, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए तो लिंक्ड होना ना होना मैटर ही नहीं करता। व्हेनेवर कैरेक्टर आर मोर देन वन, तब ये बात आएगी कि वो लिंक्ड है या नहीं है। अगर वो मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं देन डेफिनेटली दे आर नॉट लिंक्ड, क्योंकि लिंक फॉलो हो जाएगा तो मेंडल से डेविएट कर जाएगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं, पहले हम अपने हिसाब से समझेंगे, बाकी फिर एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी हुई है वो हमें देखना है कि डेविएशंस मेंडल्स के रिजल्ट्स में किस तरीके से मिले, जहां पे मेंडल का रिजल्ट फॉलो नहीं होता उनको देखना। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डेविएशंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का देखते हैं, फिर डाईहाइब्रिड का भी देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस वन जीन इंटरेक्शन था, इसी क्लास में वन जीन इंटरेक्शन भी पढ़ा। अब देखिए क्या क्या चीजें आ सकती है इसमें।
मेंडल के मोनो हैबिट क्रॉस में अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कंसेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जहां पे हमने पढ़ा था कि अगर वन पेयर है ऑफ यूनिट फैक्टर, इस पेयर को हमने क्या बोला था, आज की डेट में इस पेयर को अब जीन बोला जाता है, और इन फैक्टर को हम आज की डेट में क्या बोलते हैं, एलील्स। हमने दोनों की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी थी। तो वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर गवर्न करता है वन करेक्टर को, ऐसा मेंडल ने बोला था। और करेक्टर क्या कहलाता है, फिनोटाइप, ट्रेट, जो आपको दिखाई देता है, जो मॉर्फोलॉजिकली विजिबल है। तो एक फिनोटाइप के लिए, एक कैरेक्टर के लिए एक यूनिट फैक्टर का पेयर होता है, या कह लीजिए एक जीन होता है जिसमें दो एलील होती है, बिकॉज पेयर है तो फिर नंबर ऑफ एलील्स इन ए जीन क्या आएंगे, टू आएंगे। अब जब इसे डेविएशन मिला तो डेविएशन कुछ इस तरीके से मिला कि अगर हम यहाँ पे वन जीन मान लें तो क्या ऐसा हो सकता है कि वन जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को गवर्न करे, है ना। जो पहला डेविएशन आप पढ़ेंगे जहां पे वन जीन गवर्न्स मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स या फिनोटाइप्स आ जाएंगे, तो ये मेंडल का रूल नहीं आएगा, क्योंकि मेंडल के हिसाब से तो ये होना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं कि वन जीन गवर्न्स मोर देन वन फिनोटाइप्स और मोर देन वन कैरेक्टर। And this phenomena या such gene is called pleiotropy. इस gene को बोलते हैं pleiotropic gene and phenomena is called pleiotropy. तो एक deviation हमें क्या पढ़ना है, pleiotropy पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि character एक रहे but gene का number एक से ज्यादा हो जाए। जैसे यहाँ पे मेंडल ने बोला वन जीन, सर ऊपर वाला समझ नहीं आया। मेंडल का ये था कि इस ब्लैक में जो लिखा हुआ है, मेंडल ने सिंपल बोला कि वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर वन कैरेक्टर को गवर्न करता है। जैसे आपने बनाया कैपिटल टी बट वो गवर्न एक ही चीज कर रहा है, दैट इज टॉलनेस, स्मॉल टी डॉर्फनेस। यहाँ बात हो रही है कि हम कैपिटल टी है, मान लीजिए कैपिटल एक्स है, हम एक ही जीन लिख रहे हैं, एक ही फैक्टर का पेयर बना रहे हैं, बट जो गवर्निंग कैरेक्टर्स हैं वो एक से ज्यादा हो जाएं। तो एक से ज्यादा हो जाएंगे तो मेंडल का रूल तो फॉलो नहीं होगा ना। मेंडल का कॉन्सेप्ट था वन जीन वन कैरेक्टर, यहाँ बात हो रही है वन जीन बट मोर देन वन कैरेक्टर, तो ये डेविएशन कहलाएगा, है ना। ये मेंडल फॉलो नहीं करेगा, यहाँ मेंडल फॉलो नहीं करेंगे, मेंडल के जो भी कॉन्सेप्ट दिए हो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते। इस डेविएशन को हम पढ़ेंगे अभी, प्लियोट्रॉपी कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, या जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। बहुत सिंपल है, वन वन है तो हम यहाँ पे वन से मोर देन वन कर रहे हैं। मान लीजिए एक टीचर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो ये रूल हो गया, पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा दे तो फिर तो ये डेविएट कर जाएगा ना। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए कैल्विन में एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, ऐसा बोला गया आपको एडमिशन के टाइम पे, फिर आपको कभी ऐसा हो जाए कि एक टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा दे, फॉर एग्जाम्पल, तो आप यही तो बोलेंगे कैल्विन ने जो कहा था वो नहीं किया। ऐसे मेंडल ने ये कहा कि एक जीन एक करेक्टर को गवर्न करेगा, लेकिन अगर एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर को गवर्न करे तो ये डेविएशन में काउंट होगा, ये एक्सेप्शन में काउंट होगा। उल्टा भी हो सकता है, जीन एक से ज्यादा हो जाए बट करेक्टर एक रहे, ये भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। जैसे यहाँ पे वन से मोर देन वन है, ऐसे मोर देन वन से भी तो वन हो सकता है, मोर देन वन जीन्स हो जाए, करेक्टर वन रहे। अब एक से ज्यादा जीन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोर देन वन जीन मीन्स मैनी जीन्स, मैनी जीन को आप क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हमें ये भी पढ़ना है। मैं आपको सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि डेविएशन क्यों आए। अगर एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर गवर्न करेगी तो भी अगेंस्ट मेंडल है, और अगर एक से ज्यादा जीन्स एक करेक्टर को गवर्न करेंगी, मान लीजिए थ्री जीन्स मिलके एक करेक्टर को गवर्न करती हैं, तो फिर ये मेंडल के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ ना। मेंडल ने तो वन जीन वन करेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे थ्री जीन्स वन करेक्टर हो गया, या यहाँ पे
वन जीन बट थ्री कैरेक्टर हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों ही मेंडल के एक्सेप्शन में काउंट हो जाएंगे। एक और हो सकता है इसी केस में, इसी लाइन में, मेंडल के हिसाब से यूनिट फैक्टर का पेयर ही होगा, मींस वन जीन में टू एलील्स ही आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जीन वन हो बट उसमें एलील्स दो से ज्यादा हो जाएं, और अगर ये केस में क्या बन जाएगा, ये मल्टीपल एलीलिज्म कहलाएगा, फिनोमिना इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। मेंडल के हिसाब से वन जीन में टू एलील्स होने चाहिए, यहाँ बात हो रही है वन जीन हैज मोर देन टू एलील्स, तो अगर मोर देन टू एलील्स है तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। हमें ये तीनों ही पढ़ने, तीनों ही एनसीईआरटी में दिए, और ये एक्सक्यूज मी सर, ये मोनोहाइब्रिड पास के एक्सेप्शंस। यस सर, ये जो आपने पॉलीजेनिक वाला लिखा है, तो इसमें मतलब एक से ज्यादा जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को गवर्न करेंगी या बिल्कुल, इंडिविजुअली अलग अलग सेम जीन? नहीं, इंडिविजुअली अलग कर दोगे तो फिर तो मेंडल हो जाएगा, थ्री जीन थ्री करेक्टर, तो मेंडलिज्म हो गई। वन जीन वन करेक्टर, टू जीन टू करेक्टर, थ्री जीन थ्री करेक्टर, सेवन जीन सेवन करेक्टर, ये तो मेंडल हो गया, ये तो मेंडल के सेइंग्स के अकॉर्डिंग हो गया। और अगर ये है कि थ्री जीन्स वन करेक्टर, जैसे इस केस में मैंने बताया, तो ये नॉन मेंडलिज्म में आएगा, है ना? या वन जीन थ्री करेक्टर जैसे इस केस में, तो नॉन मेंडलिज्म में, और वन जीन हैज मोर देन टू एलील्स तो भी वो नॉन मेंडलिज्म में। तो ये जो रेड से लिखे हैं, ये भी अब पढ़ने हैं सारी चीजें। अभी तो हमने सिर्फ एक डेफिनेशन के हिसाब से समझने की कोशिश की कि किस किस जगह पे मेंडल का रिजल्ट डेविएट करता है, क्योंकि मेंडल ने जब वर्क किया तब उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से किया, पी प्लान पे काम कर लिया, बाकी साइंटिस्ट ने 1900 सेंचुरी में काम करना जब शुरू, 1900 के बाद स्टार्ट किया, तो बहुत सारी जगह मेंडल का ही रिजल्ट आया। बट जहां मेंडल का रिजल्ट नहीं आया वहां क्या, तो फिर उसके लिए जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये सब चीजें आएंगी, ये हमें तीनों ही चीजें पढ़नी है। क्लियर? अभी हम इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ एक एंगल दिखाया गया है इस पेज पे कि हम डेविएट कहाँ कहाँ पे करेंगे। ये मेंडल का पहला पार्शियलेट था ना, तो उसके तीन डेविएशन हो गए, जैसे आपसे कहा जाए कि ये डेविएशन मेंडल की किस फाइंडिंग का है, तो ये डेविएशन मेंडल की फर्स्ट फाइंडिंग का था। मेंडल की फर्स्ट फाइंडिंग को नाम दिया था कंसेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर, पेयर वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर गवर्न्स वन कैरेक्टर, ऐसा कहा गया। मेंडल का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि एफ वन जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, यही आपने पढ़ा, और आगे जाके ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बना, एफ वन विल शो डोमिनेंस। इसको हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था। एफ वन में डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा और आगे जाके ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बना। अब क्या इस बात का कोई एक्सेप्शन है कि F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर ना आए? आप जब क्रॉस कराएं तो F1 में कोई तीसरा कैरेक्टर आ जाए, मान लीजिए आपने रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया और F1 जनरेशन में पिंक कलर बन गया, तो पिंक तो कोई भी पेरेंट नहीं था। जैसे मेंडल के केस में अगर आप क्रॉस करेंगे तो फ्लावर कलर इज वायलेट एंड व्हाइट, तो अगर वायलेट फ्लावर वैरायटी का क्रॉस व्हाइट से किया जाएगा तो F1 में वायलेट आएगा, एंड दैट्स व्हाई F1 में वायलेट आएगा, तो वायलेट डोमिनेंट कैरेक्टर है, व्हाइट नहीं आ रहा तो वो रिसेसिव है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि वायलेट और व्हाइट का क्रॉस कराया और आ गया कोई तीसरा कैरेक्टर, कोई तीसरा कलर जो दोनों पेरेंट में कहीं नहीं था, तो फिर वो डोमिनेंस को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ क्या आएगा, ये भी कंडीशन हो सकती है कि F1 में जो भी आए दैट विल बी ए न्यू फीनोटाइप, कोई नया आ जाए जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता होगा, है ना, दैट विल नॉट रिजेंबल विद आइदर ऑफ द पेरेंट, ये किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा, बिल्कुल नया, तो फिर ये क्या कहलाएगा। अगर F1 में नया फिनोटाइप आता है जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता, तो फिर इसको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, जहां पे कोई भी करेक्टर जो है वो पैरेंटल वाला नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप टॉल एंड डॉर्फ को क्रॉस कराएं, पी प्लांट में तो नहीं कराएंगे क्योंकि पी में तो टॉल डोमिनेंट है, सब जानते ही। आप मान लीजिए आप किसी और प्लांट में क्रॉस करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टोबैको में करा रहे हैं, टोबैको की एक वैरायटी है जिसमें लीफ का साइज बड़ा है, टोबैको की एक वैरायटी है जिसमें लीफ का साइज छोटा है। अब आप F1 में मान लीजिए आपको एक इंटरमीडिएट साइज की लीफ मिल गई, तो क्या ये डोमिनेंस को फॉलो करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज लार्ज साइज की लीफ डोमिनेंट करेक्टर होता तो F1 में वही आता, या स्मॉल साइज का आता, लेकिन यहाँ क्या हो गया, बीच का आ गया। बीच के आने का मतलब ये है कि वो दोनों पेरेंट में नहीं था। डेफिनेशन इज कि दैट विल नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट। एक नया फिनोटाइप अगर F1 में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट डोमिनेंस। एक केस और भी हो सकता है, F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंटल करेक्टर्स आ जाएं, F1 शोज बोथ पेरेंटल फीनोटाइप। आप रेड और व्हाइट को क्रॉस कराएं, F1 में जो फ्लावर बनेगा उसमें पेटल पे रेड का पैच अलग होगा, व्हाइट का पैच अलग होगा, पिंक नहीं आएगा। पिंक आ जाएगा तो ये बोलेंगे एक प्योर रेड फ्लावर है और एक प्योर व्हाइट फ्लावर है, क्रॉस कराने पे एक ऐसा फ्लावर बना जिसका एक पेटल के अंदर कहीं पे रेड कलर आ रहा है, कहीं पे व्हाइट आ रहा है, और दोनों मिक्स नहीं कर रहे, दोनों पिंक नहीं बना रहे, दोनों ही अपियर हो रहे हैं, रेड भी अपियर हो रहा है, व्हाइट भी अपियर हो रहा है। जब दोनों अपियर होंगे तो इसको बोला जाएगा कोडोमिनेंस। F1 में जो डोमिनेंट करेक्टर आएगा, जैसे मेंडल ने कहा था रूल, जो आगे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बना, उसके लिए भी दो एक्सेप्शन हमारे पास हैं। हो सकता है कि F1 में दोनों पेरेंट ना आके कोई तीसरा आ जाए, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और हो सकता है दोनों ही अपियर हो जाए बिना मिक्स किए हुए, बिना ब्लेंड किए हुए, तो उसे कोडोमिनेंस बोलेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट या सेकंड फाइंडिंग के दो एक्सेप्शन हमें पढ़ने। जहां तक थर्ड की बात थी, थर्ड था कि सेग्रीगेशन आएगा और सेग्रीगेशन की वजह से गैमीट्स में प्योरिटी आएगी। थर्ड क्या था कॉन्सेप्ट, सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और मैंने आपको बताया था कि दिस इज द ओनली लॉ जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। जिसमें कभी कोई डेविएशन नहीं आया, आज तक नहीं आया। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए 1900 से 2020, 120 सालों में कभी भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट नहीं किया गया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो 3 फाइंडिंग्स थे, उसमें से जो डेविएशंस मिले वो पहली 2 फाइंडिंग्स के मिले। फिर ऐसे डाई हाइब्रिड में जो आप पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी भी डेविएशन है, बट डाई हाइब्रिड के डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें केवल मोनो हाइब्रिड के डेविएशन पढ़ने, इस हेडिंग में जो हम पढ़ेंगे वो ये 5 हेडिंग्स पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉफी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, इस पेज पे मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि मेंडल ने क्या कहा था और जब लोगों ने वर्क किया तो उन्हें मेंडल की फाइंडिंग्स नहीं मिली, और नहीं मिली तो उन्होंने क्या क्या नाम दिए उन सबको याद रखें। सर वीडियो ब्लर आ तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। थोड़ा बहुत नेट का फ्लक्चुएशन हो सकता है, मे बी रेनी सीजन है तो कुछ इंटरनेट इश्यू। क्लियर, अब हमें 1 by 1 पढ़ना है, इन 5 हेडिंग्स को कंप्लीट करना है, सब में हमें एग्जांपल्स पढ़ने और ये इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देखनी। इन सारे में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज जो पहला रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट डेविएशन जो था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का था।
इससे हम पहले जो पढ़ेंगे वो इनकम्प्लीट डोमेन, पढ़ने तो मैं सारा ही है, वो तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे सर एक पहले बार ये पढ़ें। नीचे कर दीजिए। चेंज करो, चेंज ना। फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस बोलते हैं, इसको आप ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। जो फर्स्ट डेविएशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। हालांकि ब्लेंड करने का मतलब मिक्स होता है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन वही रहेगी। F1 विल प्रोड्यूस ए न्यू फीनोटाइप दैट विल नॉट रिजेंबल फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट। अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे F1 एक नया फीनोटाइप प्रोड्यूस करता है जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता, उसको हम इस कैटेगरी में रखते इसको हम डिफाइन करेंगे तो हम सेम लिख सकते हैं, F1 विल प्रोड्यूस ए न्यू फीनोटाइप That will not resemble सर F1 न्यू फिनोटाइप रिप्रोड्यूस करेगा या फिर वो खुद ही न्यू फिनोटाइप होगा? F1 will produce it. Means मतलब वही है, F1 एक नया फीनोटाइप है ना, F1 is a new ठीक है phenotype, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको बोला जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम्पल और क्रॉसेस पे जाना है, उनका रिजल्ट क्या आएगा ये सब स्टडी करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अब जो पहले एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है उसको देख लेते हैं। मैंने एम्फेसाइज ये किया है कि यहाँ पे न्यू फीनोटाइप आएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार क्वेश्चन एग्जाम में जब आया तो यही पूछा गया था F1 में एक न्यू फीनोटाइप आएगा या F1 में एक मिक्स फीनोटाइप आएगा। तो दोनों में आंसर क्या हुआ, न्यू फीनोटाइप, बिकॉज मिक्स करने से नया बन सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप रेड और व्हाइट को मिक्स करेंगे तो पिंक आ जाएगा, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि पिंक ही आएगा। अगर मान लीजिए रेड और व्हाइट का क्रॉस करा के अगर ब्लू आ गया तो आप कहेंगे कि सर रेड और व्हाइट से ब्लू कैसे आएगा, लेकिन आता है। अगर आ जाए ब्लू तो भी वो इसी कैटेगरी में यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इट विल हैव ए न्यू फीनोटाइप, है ना, रादर देन क्या हमेशा मिक्स वाला कांसेप्ट लाएं। इसे बोलते जरूर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, कि जो हम एग्जांपल पढ़ने वाले हैं वहां पे आपको मिक्स वाला लगेगा, रेड व्हाइट का क्रॉस करा के पिंक आ जाएगा। बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप डिटेल में और एग्जाम्पल भी पढ़े जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको एक न्यू भी मिलेगा, है ना, लाइक ब्लैक और व्हाइट को क्रॉस कराया तो रादर देन ग्रे, ग्रे आता तो भी वो न्यू फिनोटाइप होता, आ गया ब्लू, तो ब्लैक व्हाइट का क्रॉस करा के अगर ब्लू कलर आ रहा है तो भी वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही रहेगा। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल दिया है बुक में, फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन, इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। प्लांट, इसका जो जीनस है वो है एंटीरियम मेजिस। एंटीरियम मेजिस प्लांट या इसको स्नैप ड्रैगन प्लांट या निक नेम में डॉग फ्लावर प्लांट भी बोलते हैं। इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर का कलर है वो इस कैटेगरी के एग्जांपल में आता है। क्या है यहाँ पे एक्चुअली,
अगर आप रेड वैरायटी वाला फ्लावर लेते हैं, इसको हम कैपिटल आर लिख लेते हैं, इसका क्रॉस अगर आप व्हाइट वैरायटी स्मॉल आर से करते हैं, ये पेरेंट्स हो गए, तो एफ वन जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर आ जाते हैं, जीनोटाइप विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। रेड और व्हाइट का क्रॉस करेंगे तो एफ वन में क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप अगर नोटिस करो कि यहाँ पे रेड लिखा होता तो ये मेंडलिज्म हो जाता, कि मेंडल के हिसाब से अगर रेड डोमिनेंट करेक्टर है तो एफ वन में रेड अपीयर होगा, अगर व्हाइट डोमिनेंट होगा तो एफ वन में व्हाइट आ जाएगा, एफ वन में जो आएगा वो डोमिनेंट करेक्टर कहलाएगा। बट एक्चुअली वो डोमिनेंट करेक्टर दोनों पेरेंट में से कोई एक ही होगा ना, टॉल या डॉर्फ में से टॉल आए या टॉल या डॉर्फ में से डॉर्फ आ जाए, जो आ जाएगा वो डोमिनेंट, जो नहीं आएगा वो रिसेसिव, लेकिन आएगा तो टॉल एंड डॉर्फ में से ही ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एफ वन में एक न्यू कलर आ गया, एक नया फिनोटाइप आ गया जो दिखाई देता है, फिनोटाइप का मतलब विजिबल, तो वो विजिबल है मॉर्फोलॉजिकली हम उसे देख सकते हैं, तो क्योंकि एफ वन में एक नया कलर या नया फिनोटाइप हो गया जो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस कहलाएगा। अगर आप जीनोटाइप के हिसाब से देखेंगे तो कुछ नहीं बदला, एफ वन में हेट्रोजाइगोट है और मेंडल के हिसाब से भी एफ वन में हेट्रोजाइगोटी था, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा हुआ। तो इम्पोर्टेंट ये कि जीनोटाइप में कभी कोई चेंज नहीं आता, जो चेंज होता है वो फिनोटाइप में होता है, ये हमेशा इम्पोर्टेंट चीज होती है, ये लाइन पूरे चैप्टर में आएगी, पूरी जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में हम इस चीज को समझेंगे कि आप कभी भी जीनोटाइप को नहीं बदल सकते, बिकॉज जीनोटाइप तो एलीलिक कॉम्बिनेशन से बनता है और एक जीन की दो एलील होती है, यहाँ भी है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, बट ये क्या शो करेंगी, ये क्या फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगी, दैट विल बी डिफरेंट, वो रेड भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया तो पिंक आ गया। अगर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए पिंक की आप सेल्फिंग करेंगे भी, डायरेक्ट लिख दो, बाकी आप मोनोहाइब्रिड का चेकरबोर्ड बना सकते हैं, कोशिश करिए कि डायरेक्ट भी आप समझ सके, जब आप इसके सेल्फिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, 1:2:1, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसे लिखा था हमने, पर यहाँ पे कैपिटल आर कैसा है, रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा होता है, पिंक, और स्मॉल आर कैसा होता है, व्हाइट। इसको आप 3:1 नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे तो ये भी टॉल था और ये भी टॉल था, होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस टॉल, लेकिन यहाँ पे ये रेड है और ये पिंक है, अलग अलग है, तो जीनोटाइप का रेशियो तो 1:2:1 था वहां पे भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के हिसाब से, यहाँ भी जीनोटाइप का रेशियो क्या है, 1:2:1, बट मेंडल के हिसाब से फिनोटाइप का रेशियो क्या था, 3:1, लेकिन यहाँ क्या आएगा, अगेन इट इज 1:2:1, फिनोटाइप भी यही तो है, रेड पिंक व्हाइट, और जीनोटाइप भी यही है, तो यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो गया। दिस इज जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आ गया, ये लाइन हमने पहले भी सुनी थी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, थोड़ी देर पहले अभी भी बोला, ये कहाँ पे अप्लाई होती है, टेस्ट क्रॉस पे, टेस्ट क्रॉस में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम आता है, बट क्या आया था, मोनोहाइब्रिड के लिए 1:1, डाइहाइब्रिड के लिए अभी हमने पढ़ा क्या आया था, 1:1:1:1, यहाँ क्या आ रहा है, 1:2:1, तो एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि इनमें से किस केस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम रहेगा, रेशियो नहीं मेंशन किया गया, सिर्फ ये है कि कहां सेम रहेगा, तो टेस्ट क्रॉस में भी सेम रहता है और अभी हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी सेम रहता है, लेकिन क्या रहता है वो अलग अलग है, टेस्ट क्रॉस का आता है 1:1 और यहाँ आ रहा है 1:2:1। ये पहला एग्जांपल हो गया हमारा फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन प्लांट या डॉग फ्लावर प्लांट, एनसीईआरटी में इसको डायग्राम से भी दिखाया गया है, फ्लावर कलर बना के दिखाया गया है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट केवल हमारे लिए ये। दूसरा एग्जाम्पल जो आप याद करना चाहें वो अगेन फ्लावर कलर है, इन 4 o'clock प्लांट,
पूरा पूरा प्लांट को गुले बांस कहते हैं। इसका नाम है मिराबिलिस जलापा। इस प्लांट के अंदर भी जो फ्लावर का कलर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, और कलर भी सेम है, रेड व्हाइट पिंक, जैसे ये क्रॉस बना है वैसे ही आएगा। आपको बस ये दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है, फॉलो तो यही होगा, ये इम्पोर्टेंट। थर्ड एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो है पी प्लांट के अंदर स्टार्च के ग्रेन का साइज। जैसे मान लीजिए आप पोटैटो यूज करते हैं, तो पोटैटो की स्लाइड को अगर आप स्टेन करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आपको स्टार्च के ग्रेन्स दिखाई देंगे, और स्टार्च के ग्रेन का साइज भी होगा, कभी बड़ा साइज होगा, कभी छोटा साइज होगा, कभी कुछ और साइज भी आ जाएगा। सेम विद द केस ऑफ पी, पी प्लांट के अंदर स्टार्च के ग्रेन का साइज होता है, वो भी इस चीज को फॉलो करता है, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी। वही मेंडल वाला जो पाइजम से डायग्राम था वही। अब मान लीजिए मेंडल ने ये वाला करेक्टर पी में चूज किया होता तो डोमिनेंस नहीं आती ना। मेंडल ने जो 7 करेक्टर चूज किए वो डोमिनेंस को शो करते हैं, ये वाला करेक्टर अगर वो चूज करते तो नहीं आता। हालांकि स्टार्च ग्रेन का साइज माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, मेंडल ने जितने भी करेक्टर लिए वो बिना माइक्रोस्कोप से भी हैंडल हो सकते हैं। यहाँ पे केस क्या है कि अगर एक लार्ज साइज का ग्रेन है इसका क्रॉस स्मॉल साइज के ग्रेन वाली वैरायटी से किया जाए, लार्ज साइज का है तो कैपिटल बी, स्मॉल है तो स्मॉल बी, ये हो गए पेरेंट। जब आप क्रॉस कराएंगे तो F1 में इंटरमीडिएट साइज आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, F1 में क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट आ जाएगा। बाकी फिर आगे करोगे तो फिर अभी सेम आएगा, अगर F2 जनरेशन में ले जाएंगे तो सेम कैपिटल बी स्मॉल बी वन इस टू टू इस टू वन सेम आएगा, लार्ज साइज इंटरमीडिएट साइज स्मॉल साइज। और ऐसे कोई भी केस, जैसे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी करनी होगी या कुछ करोगे भी, डीपीपी वगैरह में भी मिल जाएंगे। मान लीजिए एक प्लांट की हाइट 20 सेंटीमीटर है और एक प्लांट की हाइट 12 सेंटीमीटर है, दोनों का क्रॉस किया गया, F1 में ऐसे प्लांट मिले जिनकी हाइट 16 सेंटीमीटर हो गई। अब ये करेक्टर क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 12 और 8, ये 12 और 20 था, बीच में आपको 16 मिल गया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। कहीं भी आ सकता है, एक बड़े साइज की लीफ है, एक स्मॉल साइज की लीफ है, F1 में आपको इंटरमीडिएट साइज की लीफ मिल रही है, तो ये क्या शो करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जहां भी एक नया फिनोटाइप F1 में आ जाएगा जो दोनों पेरेंट्स में नहीं था तो ये क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस कहलाएगा। ये पहला और जो तीसरा एग्जाम्पल है ये दोनों एनसीईआरटी के हैं। मिराबिलिस जलापा का भी फ्लावर कलर सेम होता है, रेड व्हाइट पिंक, वो भी सेम चीज को फॉलो करता है। ये पहला केस हुआ हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। फिलहाल यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, रेड व्हाइट को मिक्स करेंगे तो पिंक आएगा, लार्ज और स्मॉल को आप मिक्स करोगे तो बीच में इंटरमीडिएट साइज आ गया, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ब्लेंडिंग वर्ड फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि अगर आप व्हाइट और ब्लैक को क्रॉस कराएं और ब्लू कलर अपीयर हो जाए तो भी वो एक नया फिनोटाइप है और इसलिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हालांकि सबको पता है कि व्हाइट और ब्लैक को ब्लेंड करने पे ब्लू नहीं मिलेगा, आपको ग्रे मिलेगा। क्लियर, ये फर्स्ट केस हो गया, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सर ये कैसे पता लगा कि फ्लावर कलर में रेड डोमिनेंट था? नहीं, यहाँ डोमिनेंट नहीं है, अब ये गलती मत करना, मेंडलिज्म खत्म हो गई। हियर रेड इज नॉट डोमिनेंट, आप डोमिनेंस नहीं बोलेंगे इसे, ना ये रिसेसिव ठीक है, है ना, यहाँ डोमिनेंस रिसेसिव वर्ड ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो मेंडलिज्म वाली चीज में था। अगर आप
कभी भी बोले कि ये करेक्टर डोमिनेंट है, इसका मतलब ये होगा ना कि वो F1 में आएगा, यहाँ तो आ ही नहीं रहा वो, तो ये डोमिनेंट कैसे हो जाएगा। ठीक है सर। अभी आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे एविएशन के बाद, हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, इन सब में कहीं कोई मेंडलिज्म वाली बात नहीं आएगी, वरना तो फिर डेविएट कैसे करोगे। सर वो कैपिटल आर था इसलिए मुझे हाँ लगा। नहीं, इसलिए आपको शुरू में भी मैंने बोला था कि एवरी टाइम कैपिटल लेटर लिखा है डजंट मीन कि वो डोमिनेंट है, या स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है तो डजंट मीन कि वो रिसेसिव है ना। ये ओके क्या सर। है कि कन्वेंशनल तरीका है, मान लीजिए जैसे हम नॉलेज को कॉपी करते आए इतने सालों से, तो अभी भी बुक्स में वही फॉलो हो रहा है, तो इट्स ए काइंड ऑफ बुकिश नॉलेज। आप इसे एक तरीके से इन्फॉर्मेटरी मान सकते हैं कि क्योंकि ऐसा लोगों ने यूज किया इसलिए हमने यूज कर लिया। कहीं भी बुक में ये नहीं लिखा होगा कि अगर कैपिटल लेटर से है तो वो डोमिनेंट होगा, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा होगा। फिर से ऐसा कोई माइंड में समझ नहीं है कि कैपिटल लेटर से लिखा है तो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, F1 में अपियर होगा तो डोमिनेंट, अगर F1 में अपियर नहीं हो रहा तो वो डोमिनेंट नहीं है। क्या है फिर वो, अलग अलग जगह अलग अलग डिफाइनेशन है, जैसे यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, वहां को डोमिनेंस आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस, पहले हम कोडोमिनेंस पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एनसीईआरटी में ना एक टॉपिक दिया हुआ है कि अभी आप चलिए इसी को समझ लीजिए। इसके बाद ये समझाया गया एनसीईआरटी में कि एक्चुअली डोमिनेंस फिर हुआ क्या अगर ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे एक नया फिनोटाइप आ रहा है और ना ही ये डोमिनेंट है ना ही ये रिसेसिव है। अगर इसके पैरेलल में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इमेजिन करें तो वहां कैपिटल टी टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल टी डॉर्फ रिसेसिव कैरेक्टर। सो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, एक्चुअली आप डोमिनेंस को समझाओगे कैसे। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो हम लिखते हैं वो नहीं इंपॉर्टेंट, ये कि जो F1 जनरेशन में अपीयर होगा दैट विल बी द डोमिनेंट कैरेक्टर। और डोमिनेंस की डेफिनेशन भी मेंडल ने यही दी थी, जो भी कैरेक्टर F1 जनरेशन में आएगा वो डोमिनेंट है, और उसकी प्रेजेंस में जो कैरेक्टर हिडन रहेगा वो रिसेसिव है। रिसेसिव कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 में 25% केस में आ रहा था, 3:1 में जो 1 है वो रिसेसिव था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये समझाया गया कि एक्चुअली डोमिनेंट क्या था। अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से समझें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, उस चीज को हम पढ़ देखते हैं एनसीईआरटी में। इसके बाद एक समझाया गया है टॉपिक और उसको लिखा है एक्सप्लेनेशन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो हम पहले वो देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, चीज को देखते हैं एक्चुअली हम डोमिनेंस को कैसे समझेंगे या डोमिनेंस का कंसेप्ट है क्या, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मान लीजिए ये तो मेंडल ने कह दिया, 7 कैरेक्टर चूज किए, उन 7 में डोमिनेंट और रिसेसिव बता दिए, पाइजम में चलो याद कर लिया, मेंडल ने दिया और याद कर लिया। पाइजम के बाद बहुत सारे प्लांट और एनिमल में जेनेटिक्स को अप्लाई करके देखा गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने किया, चलो हमने वो भी याद कर लिया। मान लेते हैं कि आज की डेट में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट और एनिमल पर वर्क किया जा चुका है, तो हम सबका याद कर लेते हैं कि ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। लेकिन बायोडायवर्सिटी का आपने डेटा पढ़ा होगा, तो 1.8 मिलियन स्पीशीज नोन है, तो अगर हम मान लीजिए 1,000 का याद कर लेंगे, 10 लाख 15 लाख ऑर्गेनिज्म नोन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्टर डोमिनेंट होता है और कौन सा रिसेसिव होता है। जिस पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, जिस पे साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, वो तो याद कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि और करेक्टर नहीं होंगे, हजारों करेक्टर हैं। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो हमें देखना है। होता क्या है, हम फिर से मेंडल पे जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जेनेटिक्स किसी भी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई की जा सकती है। अगर आप ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ये जो भी आप मेंडल के लॉस पढ़ रहे हैं वो वहां पे अप्लाई नहीं होते, और अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो भी अप्लाई नहीं होगे, बिकॉज मियोसिस कैसे करोगे हैप्लॉयड। इट मींस क्या हुआ, इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग
डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जैसे पाइजम ले लें या और भी साइंटिस्ट ने जो भी लिए हो, वहां पे हमने एस पर मेंडल ये पढ़ा कि जो वन जीन है, वन जीन को लिखा था वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, अब तक तो याद कर लीजिए उसे, वो वन फीनोटाइप को गवर्न करती है। वहां लिखा था वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर गवर्न्स वन करेक्टर, ये लाइन हमने किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए पढ़ी, और इसको मेंडल और बाकी जेनेटिक्स ने अलग अलग तरीके से प्रूव भी किया। इसी चीज का जो एक्सटेंशन वर्जन है, होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी कुछ दिखाई देता है, लाइक आई कलर, हेयर का कलर और हेयर का पैटर्न, हमारे स्किन का कलर, हमारे टीथ के इनेमल का कलर, हमारे हेयर फॉलिकल की लेंथ, जो भी करेक्टर आपको अपनी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एनिमल या प्लांट बॉडी में जो भी करेक्टर अपीयर होते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटीन, वो किसी ना किसी प्रोटीन के बने होते हैं। अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की वजह से के हिसाब से बोलें, तो कार्बोहाइड्रेट का कोई भी करेक्टर अपीयर नहीं होता, ये किसी को देख के ये पता नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी में स्टार्च कितना है, उसकी बॉडी में लिपिड्स कितने हैं, उसकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड कितना है, लेकिन उसकी बॉडी में मेलानिन कितना है ये दिखाई दे जाएगा। मेलानिन हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में हेयर कलर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ब्लैकनेस ज्यादा होगी तो मेलानिन ज्यादा, ब्लैकनेस कम है तो मेलानिन कम, और मेलानिन है क्या, इट्स ए काइंड ऑफ प्रोटीन। तो जो भी फिनोटाइप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से होते हैं। अगर हम उनकी केमिस्ट्री पे जाएंगे, उनके बायो मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, तो जो भी करेक्टर अपीयर होता है बेसिकली वो डिफरेंट प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम इसको नेक्स्ट चैप्टर यानी मॉलिकुलर बेसिस के हिसाब से पढ़ें, तो वहां ये कहा जाता है कि वन जीन वन प्रोटीन को गवर्न करती है ना, इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी अगर माने, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे। वहां क्या आ जाएगा, वहां वन जीन का मतलब हो जाएगा वन प्रोटीन, और प्रोटीन में जो एक्सपेरिमेंट इस चीज के लिए किया गया, आपने पढ़ा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये आपने बायो मॉलिक्यूल से पढ़ा होगा, या एंजाइम्स के लिए पढ़ा होगा कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, एक एक्सेप्शन है उसको छोड़ दीजिए, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसका मतलब वन प्रोटीन इक्विवेलेंट टू वन एंजाइम हो जाएगा, एक जीन एक एंजाइम को गवर्न करती है। और मान लेते हैं कि इस एंजाइम या प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी करेक्टर हमें विजिबल फॉर्म में, फिनोटाइप में दिखाई देता है, तो ये कैसा है ना, इसको हम बोलेंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट चैप्टर में आप एक टॉपिक पढ़ोगे, उसका मतलब यही है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वहां कहा जाएगा वन जीन वन एंजाइम या वन प्रोटीन को गवर्न करती है। अब हमने क्या पढ़ा कि इस जीन के अंदर दो एलील है, एलील वन एलील टू, मंडल ने यही तो बोला, वन जीन का मतलब क्या था, वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, तो एक पेयर यूनिट फैक्टर का होगा, तो ये फैक्टर वन हो गया, फैक्टर टू हो गया, जैसे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, या हेटरोजाइगोट है तो वन इज कैपिटल टी अदर इज स्मॉल टी, दो से ज्यादा का तो नहीं पढ़ा हमने कोई भी मेंडल के हिसाब से, तो वन जीन के अंदर टू एलील्स आएंगे तो दो एलील भी आएंगे। अब होता क्या है, अगर हम इसको इवोल्यूशनरी एंगल पे देखें, एवोल्यूशनरी बेसिस पे, हम मॉलिकुलर बायोलॉजी के बेस पे इसको समझे, तो मान लेते हैं कि जो ये एक एलील है वो क्या करती है, वो नॉर्मल एंजाइम जो बनना चाहिए वो बनाती है, ये एलील है जो बिना किसी चेंज के अनमॉडिफाइड है, इट विल प्रोड्यूस ए नॉर्मल एंजाइम और वी कैन से फिनोटाइप। ये क्या कर रही है, ये एक नॉर्मल फिनोटाइप या एंजाइम बना रही है जैसा बनना चाहिए, हर एक जीन का काम है, तो ये अलील अपना काम कर रही है, जैसे मान लें कि कैपिटल टी है तो कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये नॉर्मल तरीके से टॉलनेस हो रही है। एक दूसरा भी था,
इसको हमने मान लिया फॉर एग्जांपल ये कैपिटल एस बुक में लिखा गया जो बिना किसी चेंज के। इवोल्यूशन में क्या हुआ, मतलब इसको हम समझ कैसे रहे, इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि अगर F1 में डोमिनेंट आता है 100% जैसे मेंडल ने कहा, और F2 जनरेशन में भी 75% डोमिनेंट आता है, तो इसका मतलब है जब आप किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करोगे तो आपको मोस्टली इंडिविजुअल कैसे मिलेंगे, डोमिनेंट ट्रेट के मिलेंगे। अगर डोमिनेंट ट्रेट के मिलेंगे तो फिर रिसेसिव ट्रेट आया क्यों और कैसे, अगर हर बार, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन का कंसेप्ट है, आपने अभी इवोल्यूशन शायद नहीं पढ़ा होगा 12th में जो दिया हुआ है, 10th का इवोल्यूशन जितना भी आपने पढ़ा हो उसमें डार्विन का नाम तो सुना होगा, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी उन्होंने। उन्होंने कहा था कि नेचर जिन करेक्टर को फेवर करेगा वो आगे जाते जाएंगे, और नेचर जिन करेक्टर को फेवर नहीं करता वो करेक्टर छूट के खत्म हो जाते हैं, और इंडिविजुअल फिर नए से नए बनते जाते हैं या इवोल्यूशन होता रहेगा। तो इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया कि डोमिनेंस ही अगर इम्पोर्टेंट है, अगर नेचर डोमिनेंट करेक्टर को प्रमोट कर रही है, कैसे पता चलेगा, मेंडल ने तो क्रॉस करके दिखाया F1 में 100% डोमिनेंट और F2 में 75% डोमिनेंट। तो अगर डोमिनेंस की परसेंटेज 175% हो गई, केवल 25% रिसेसिव करेक्टर आया, तो टाइम के हिसाब से रिसेसिव करेक्टर तो खत्म हो जाएगा ना, जो रहेगा वो डोमिनेंट रहेगा। तो ये रिसेसिव करेक्टर अगर नेचर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये आया क्यों, नेचर अगर डोमिनेंस को प्रमोट करती है तो रिसेसिव करेक्टर क्यों आया, उस चीज के लिए समझाया गया कि एक जीन जो अपना काम नॉर्मली कर रही थी, मान लेते हैं कि उसका एलील अनमॉडिफाइड था, तो वो अपना नॉर्मल वर्क कर रही है, दैट अनमॉडिफाइड एलील इज कैपिटल एस। अब क्या हो रहा है, अगर ये एलील मॉडिफाई हो जाए, इफ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड होने का रीजन क्या है, म्यूटेशन, सब जानते ही हैं, म्यूटेशन इज ए कॉज फॉर वेरिएशन, नए चीजों बनाने के लिए म्यूटेशन एक कॉज हो सकता है, हालांकि म्यूटेशन लीथल होता है, मतलब जब म्यूटेशन होगा तो चांसेस आर देयर कि ये प्लांट मर जाए, यहाँ से जो एलील करेक्टर गवर्न कर रही है वो करेक्टर खत्म हो जाए, चांस है केवल, है ना, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चांसेस आते हैं। तो अगर कोई एलील को मॉडिफाई कर दे, इफ मॉडिफाई, और कैसे करेंगे, बाय म्यूटेशन, तो इसको नाम दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल एस स्टार, अभी यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल नहीं लिखा मैंने, है ना, क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो रहे थे कि कैपिटल लेटर है तो डोमिनेंट, स्मॉल लेटर है तो रिसेसिव, आपको सिर्फ रिसेसिव डोमिनेंस का लाइन ये याद रखना है कि जो F1 में आएगा वो डोमिनेंट, जो नहीं आएगा वो रिसेसिव। तो अगर कैपिटल एस और कैपिटल एस स्टार है, ये अनमॉडिफाइड है और ये मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड कैसे भी, ड्यू टू म्यूटेशन। तो जब म्यूटेशन होगा तो इस एलील के अंदर तीन पॉसिबिलिटी होंगी, देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी थ्री क्यों है, क्योंकि डिपेंड करता है, मान लीजिए मैं अपना काम नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं, कोई सडन वेरिएशन इन्वायरमेंट में हुआ, कोई अचानक से चेंज आया, मेरी बॉडी में भी आया, अब चेंज आने के बाद मेरा जेनेटिक्स बदल गई, एस की जगह कैसी हो गई, फॉर एग्जाम्पल एस स्टार, अब एस स्टार होने के बाद भी क्या मैं वही काम करूंगा जो मैं एस वाली स्टेज पे, स्क्रीन नहीं आ रही सर, आ रही है, आ रही है सर, ओके है ना, थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है और उसको हमें ऐसे ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो अगर बॉडी में म्यूटेशन होगा तो फिर थ्री पॉसिबिलिटीज आएंगी, हो सकता है म्यूटेशन होने के बाद भी मैं वही काम करूं जो पहले से कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेरे काम करने की एफिशिएंसी कम हो सकती है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक से मेरी फैमिली में, मेरी बॉडी में, मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे चारों तरफ कोई चेंज हुआ, तो चेंज होने के बाद भी मैं बॉटनी वैसे ही पढ़ाऊँ जैसे पहले पढ़ा रहा था, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो बॉटनी एक घंटे में जो टॉपिक खत्म होना चाहिए था वो 1.5 घंटे में खत्म करूँ, बट टॉपिक खत्म होगा, इंपॉर्टेंट इज कि एंजाइम बनेगा। एंजाइम का काम क्या होता है, आप पढ़ते हैं कि एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करता है, नहीं तो पढ़ते हैं एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होता, एंजाइम बायो कैटालिस्ट है, दे कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो मान लीजिए पेप्सिन एंजाइम को बनाने वाला जीन है,
पेप्सिन इज एन एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन का बना है, प्रोटीन के लिए कोई ना कोई जीन होगी। तो पेप्सिन एंजाइम किससे बनेगा, किसी जीन से बनेगा हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में एक्सरे का ट्रीटमेंट देके म्यूटेशन कर दिया जाए तो क्या पेप्सिन बनना बंद हो जाएगा? हो सकता है, हो सकता है म्यूटेशन के बाद भी पेप्सिन बनता रहे, थोड़ा कम बने, कम बनेगा या ज्यादा बनेगा इस बात से फर्क क्या पड़ेगा? पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे में डाइजेस्ट होगी क्योंकि एंजाइम थोड़ा कम बना है, जितना 1 घंटे में बनना चाहिए था उतना 1.5 घंटे में बना, तो अब 1 घंटे का काम 1.5 घंटे में होगा, लेकिन होगा तो उसी स्पीड से ना। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? ये नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए, या तो नॉर्मल एंजाइम बनेगा या लेस एफिशिएंसी से करेगा। अगर नॉर्मल या लेस एफिशिएंसी से करेगा तो इसमें और इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब मॉडिफिकेशन के बाद भी वही काम हो रहा है विद स्लो एफिशिएंसी या विद दैट एफिशिएंसी जो बिना मॉडिफिकेशन के हो रही थी। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जीन से एंजाइम तो बनेगा लेकिन एक ऐसा एंजाइम बनेगा जो इस वाले से डिफरेंट हो, जो बिना मॉडिफिकेशन से बन रहा था इससे दूसरा एंजाइम बन जाएगा, है ना, प्रोड्यूस ए डिफरेंट एंजाइम। अगर ये एंजाइम है तो मान लीजिए पेप्सिन बन रहा था यहां से, अब यहां पे पेप्सिन की जगह कोई और बन गया, तो पहली चीज ये कि पेप्सिन एंजाइम नहीं बनेगा तो पेप्सिन का काम तो सफर करेगा ही, और जो बना है उसका तो हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, तो इट्स मतलब बेकार हो गया, वो काम तो सफर कर गया ना आपका। अगर मेरी बॉडी में म्यूटेशन हुआ और मैं बॉटनी पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं रहा तो अल्टीमेटली बॉटनी तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं, भले मैं कुछ और पढ़ाऊँ बट उसका कोई यूज नहीं है, और बॉटनी पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरी बॉडी में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम तो बनेगा लेकिन कोई दूसरा एंजाइम बन रहा है, अगर दूसरा एंजाइम बन रहा है तो ये काम नहीं होगा। यहाँ पे ये काम होगा, या तो नॉर्मल तरीके से होगा या थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बट यहाँ पे वो काम नहीं ही होगा। एक तीसरा ये कहलाएगा नॉन फंक्शनल एंजाइम। एक तीसरा केस है जहां पे कोई भी एंजाइम ना बने, डज नॉट प्रोड्यूस एन एंजाइम, और इसको आप बुक में लिखा है नो एंजाइम एट ऑल, कोई एंजाइम ही नहीं बनेगा। अगर कोई दूसरा एंजाइम बन जाए या कोई एंजाइम ना बने तो दोनों ही केस में ये काम सफर करेगा। अगर एंजाइम बने और उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम भी हो जाए तो भी ये काम सफर नहीं करेगा। तो बेसिकली जो डोमिनेंस और रिसेसिव होता है, जो अनमॉडिफाइड एलील होती है जिससे कोई भी जीन अपना नॉर्मल काम करती है, उसको बोला जाता है डोमिनेंट एलील। ये क्या कहलाएगी आगे जाके? डोमिनेंट। एक एंजाइम जिस जीन से बन रहा है, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि वो अगर वो नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रही है, अनमॉडिफाइड बिना मॉडिफिकेशन के कोई काम हो रहा है, मतलब जो नेचर ने हमें दिया, वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। जो वेरिएशन की वजह से आए हमारे पास, वो क्या बन जाएंगे? रिसेसिव। वेरिएशन का मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन या जो इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में समझाए गए वो। और वहां पे कौन सी पॉसिबिलिटी देखनी है? ये दोनों पॉसिबिलिटी, बिकॉज इन दोनों पॉसिबिलिटी में एलील मॉडिफाई होके वो काम नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए, यहाँ तो वही काम हो रहा है जो होना है, मॉडिफिकेशन के बाद भी वही काम हो रहा है जो बिना मॉडिफिकेशन के हो रहा है, तो यहाँ एलील क्या कहलाएगी? दिस मॉडिफाइड एलील इज कॉल्ड रिसेसिव एलील, और फिर ये करैक्टर बन जाएगा रिसेसिव करैक्टर। और जो ये अनमॉडिफाई है वो क्या कहलाएगा? दिस इज, मैं यही लिख देता हूँ आप लिख लीजिए, ये बन जाएगा डोमिनेंट एलील। तो जो एलील अनमॉडिफाई है, जो नेचर ने हमें दी, वो क्या कहलाती है? डोमिनेंट, और वो अपना नॉर्मली काम करती रहती है। ड्यू टू सडन चेंजेस, जैसे म्यूटेशन हुआ,
अगर वो डोमिनेंटली मॉडिफाई हो जाए और मॉडिफाई होने के बाद वो काम करना बंद कर दे, काम करने बंद करने की दो कंडीशन है, या तो कुछ और बना दे या कुछ भी ना बनाए, तो वो कहलाएगा रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंस और रिसेसिव को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से ऐसे समझा जाता है कि अगर जीन अपना काम कर रही है नॉर्मल तरीके से बिना मॉडिफाई हुए तो वो डोमिनेंट एलील कहलाएगी, उससे जो भी करेक्टर गवर्न होगा वो डोमिनेंट करेक्टर बन जाएगा। मान लेते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एक सडन चेंज हुआ म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से वो एलील मॉडिफाई हो गई। अब मॉडिफाई होने के बाद क्या हुआ, वो अभी भी वही काम कर रही है जो पहले कर रही थी, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉडिफाई होने के बाद अगर वो काम नहीं कर रही जो पहले करना था उसे, क्यों नहीं कर रही, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो कुछ और काम कर रही है तो पहला काम नहीं हो रहा, या कोई काम नहीं कर रही है तो भी पहले वाला काम नहीं हो रहा। इन दोनों पॉसिबिलिटी को रखा गया है रिसेसिव एलील। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। अब इसको अपनी बॉडी से अगर आप समझो, तो जैसे आपने सुना होगा कभी या इवोल्यूशन में आगे आप पढ़ोगे, ह्यूमन का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से हुआ, होमो सेपियंस स्पीशीज अफ्रीकन्स में आई, ऐसा हमारा साइंस या जेनेटिक्स कहती है। अफ्रीकन्स निग्रोस कहलाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, प्योर ब्लैक होते हैं। प्योर ब्लैक का मतलब है होमोजाइगस स्टेट में ब्लैकनेस, 100% ब्लैक, उस रेस को ह्यूमन में उसे रेस बोलते हैं, दैट रेस इज कॉल्ड निग्रोस। जो वेस्ट इंडीज है और जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो प्योर ब्लैक कलर के होंगे, एंड ब्लैक कलर करेक्टर इज डोमिनेंट करेक्टर इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में मेलानिन का 100% होना डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है। अब हुआ क्या, 50,000 साल पहले होमो सेपियंस स्पीशीज एग्जिस्टेंस में आई थी, तो मॉडर्न मैन का जो ओरिजिन है वो 50,000 ईयर्स एगो हुआ, अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ। अब 50,000 साल पहले से आप समझो इस बात को, तो ह्यूमन बना, ब्लैक स्किन था, पूरा ब्लैक कलर का ह्यूमन की स्किन थी। कोई भी कॉज, म्यूटेशन सडन होता है, म्यूटेशन की डेफिनेशन में पहला वर्ड आएगा सडन, अचानक से, इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं है कि म्यूटेशन क्यों हो रहा है। बट अगर म्यूटेशन हुआ तो जो हमारी बॉडी में ब्लैक कलर है मेलानिन, उसको बनाने वाली जीन मॉडिफाई हो गई, और मॉडिफाई होके उसने मेलानिन बनाना बंद कर दिया। अगर मेलानिन वैसे ही बने जैसे पहले बन रहा था तो तब भी निग्रोज ही बनेगा ना, मेलानिन बनाना वो बंद कर दे। जब मेलानिन बनना बंद हो जाएगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी, वाइट, उसको हम बोलते हैं एल्बिनो। तो वाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन हमें वाइट दिखाई तो नहीं देते। आज अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हो तो आपको निग्रोज मिलते हैं, वो तो आज भी है वेस्ट इंडीज में, साउथ अफ्रीकन में, सब जगह है। वाइट यानी एल्बिनो तो आपको नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, बिकॉज रिसेसिव है, और रिसेसिव करेक्टर आपने पढ़ा है कि वो कम आता है पॉपुलेशन में, परसेंटेज आपने ऑलरेडी निकाल के देखी, अभी हम आगे भी निकाल के देखेंगे। लेकिन रिसेसिव करेक्टर अगर डोमिनेंट के साथ मेट कर जाए, कोई ब्लैक स्किन है कोई व्हाइट स्किन है, अगर ये मेट कर जाए तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। वी ऑल आर कॉम्बिनेशंस, हम सब स्किन के मामले में हाइब्रिड्स हैं। तो आज जो रेस एग्जिस्ट करती है या तो निग्रोस, वो तो आज भी है, सेंटर ऑफ ओरिजिन ह्यूमन का अफ्रीका ही बोला जाता है, बट अफ्रीका से माइग्रेट करके पूरे अर्थ को कॉलोनाइज किया ह्यूमन ने, अलग अलग जगह पे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड अलग अलग कलर आ गए, बट एल्बिनो कहीं नहीं है, एल्बिनो बहुत रेयर आपको मिलेंगे, क्योंकि रिसेसिव करेक्टर वर्क नहीं करता। अभी आप यहाँ पे यही तो समझ रहे ना कि रिसेसिव जीन यानी जो मॉडिफाइड एलील है वो काम नहीं करता जो उसे करना चाहिए, इसलिए रिसेसिव करेक्टर को नेचर प्रमोट नहीं करती, एंड दैट्स व्हाई वो आपको पॉपुलेशन में नहीं मिलता। तो डोमिनेंस को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे इस तरीके से समझाया गया कि जो बिना मॉडिफिकेशन के अपना काम करता रहेगा वो डोमिनेंट, और जो मॉडिफिकेशन के बाद वो काम करना बंद कर देगा जो उसे एक्चुअली करना चाहिए था, तो वो क्या कहलाएगा, दैट मॉडिफाइड एलील इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। और रिसेसिव एलील पॉपुलेशन में कम आती है, ये आप ऑलरेडी डोमिनेंस जहाँ पे आपने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसमें आप देख ही सकते हैं, F1 में तो कोई भी रिसेसिव नहीं है, F2 में आएगा भी तो 25% पॉसिबिलिटी तो है, 3:1 में जो 1 है लास्ट वाला वही तो रिसेसिव करेक्टर है, वो मिलेगा। इस तरीके से ये डोमिनेंस समझाएगा, ये पैराग्राफ याद रखिएगा, थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है बट एनसीईआरटी ने यही दे रखा है, तो हमने इसको यही डिस्कस किया कि डोमिनेंस को हम समझेंगे कैसे। अब आते हैं अपने सेकंड डेविएशन पे,
एज यूजुअल हम पढ़ रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे हमने ये तीन चीजें पढ़ी, फ्लावर कलर और स्टार्च ग्रेन साइज रेशियो 1:2:1 एंड ऑल. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब था F1 एक नया फिनोटाइप दे रहा है. नाउ सेकंड वन इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस को देखते हैं. कोडोमिनेंस की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, F1 में दोनों पैरेंटल फिनोटाइप्स आ जाएंगे, है ना. F1 विल हैव बोथ पैरेंटल फिनोटाइप्स. तो उसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस. अब एग्जांपल क्या क्या है हम यहाँ पे, पहला एग्जांपल है हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप ए बी है, वी हैव फोर काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन ए बी ए बी एंड ओ. आउट ऑफ दीज फोर द ब्लड ग्रुप ए बी शोज कोडोमिनेंस. पहला एग्जांपल क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस. In human, हमारी बॉडी में जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस को फॉलो करता है. अभी हम समझेंगे इसको कि किस तरीके से फॉलो करता है. कैसे होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है दिस इज गवर्न्ड बाय टू. अब यहाँ पे हम डोमिनेंट में ही बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है कोडोमिनेंट, टू कोडोमिनेंट एलील. That is capital I A and capital I B. ये दो एलील है और यहाँ पे क्योंकि दोनों ही अपीयर हो रही है इसलिए किसी को भी स्मॉल लेटर से नहीं लिखा गया. जैसे हमने यूजुअली लिखा भी हेटरोजाइगोट में कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी. यहाँ कैपिटल आई स्मॉल आई नहीं लिखा गया, क्यों, बिकॉज स्मॉल तो कोई है ही नहीं. अगर दोनों पैरेंटल F1 जनरेशन में आ रहे हैं तो आप कैसे कहोगे कि कोई डोमिनेंट है और कोई रिसेसिव है, फिर तो दोनों ही डोमिनेंट हो गए ना, आपस में वो दोनों कोडोमिनेंस को शो करते हैं. तो हमारी बॉडी में जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो दोनों चीजों को शो करता है. उसमें क्या आई ए का भी पैटर्न आएगा और आई बी का भी पैटर्न आएगा, दोनों का आएगा. तो इसका मतलब ये दोनों कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में आएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, हम इसके बारे में कई बार पढ़ेंगे. अब इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी है, एक सिकल सेल एनीमिया का पर्सन जिसे डिजीज है वो होता है, एक नॉर्मल पर्सन जिन्हें सिकल सेल एनीमिक डिसऑर्डर नहीं है, और एक ऐसे भी होते हैं जो कैरियर कहलाते हैं, उनमें सिकल सेल एनीमिया का एलील तो होगा बट उनमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनेगा जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल में बनता है, तो वो कहलाते हैं कैरियर of sickle cell anemia. तो जो सिकल सेल एनीमिया के कैरियर्स होते हैं उन्हें हम लिखते हैं HbA, HbS से. हीमोग्लोबिन A मतलब नॉर्मल, हीमोग्लोबिन S मतलब सिकल सेल. तो यहाँ हीमोग्लोबिन दोनों का बन रहा है, नॉर्मल पर्सन का भी और सिकल सेल का भी, और क्योंकि दोनों का बन रहा है तो इसलिए क्या कहलाएंगे कोडोमिनेंस. यहाँ पे किसी एक का बनता तो वो डोमिनेंट होता, ए का बनता तो डोमिनेंट, बी एस का बनता तो डोमिनेंट, बट एक्चुअली दोनों का बन रहा है तो क्या कहलाएगा कोडोमिनेंट. ऐसे यहाँ पे आई ए का कुछ आता तो ये डोमिनेंट होता, आई बी का अगर आता तो ये डोमिनेंट होता, क्योंकि दोनों का आ रहा है इम्पैक्ट, इसलिए वो क्या कहलाएगा कोडोमिनेंट कहलाएगा. तो कोडोमिनेंस के दो एग्जाम्पल है, दोनों एनसीईआरटी के हैं, आप याद कर लीजिए कि कोडोमिनेंस में दोनों फिनोटाइप आते. समझाने के लिए मैंने भी आपको जैसे समझाया था कि मान लेते हैं कि रेड और व्हाइट का क्रॉस कराते तो एक ऐसा फ्लावर बनता जिसमें रेड और व्हाइट दोनों कलर आते, पिंक नहीं आएगा, कहीं पे फ्लावर में रेड कलर आ गया कहीं पे व्हाइट आ गया, तो दोनों अपीयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या बनता कोडोमिनेंस. इस तरीके से तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया. नाउ थर्ड वन इज मल्टीपल एलील्स.
phenomena is multiple allelism. मल्टीपल एलिलिज्म की डेफिनेशन में हमने क्या बोला, जहां पे एक जीन में दो से ज्यादा एलील हो. वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर था, इसका मतलब यूनिट फैक्टर का पेयर ही है जीन में. यहाँ बात हो रही है कि यूनिट फैक्टर का नंबर दो से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलील्स कहलाएगा. दिस इज अकरेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स और फैक्टर इन ए जीन. अगर एक जीन में दो से ज्यादा या दो से ज्यादा एलील्स और फैक्टर्स हैं तो उसको बोलते हैं हम मल्टीपल एलील्स. यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है, एंड दिस एग्जांपल इज हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है वो वी हैव एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. सर एक डाउट है. यस सर, जरूरी है कि जिस जिस करेक्टर को गवर्न करने के लिए मल्टीपल अलील है वो कोडोमिनेंस में आएगा, क्या पता उसमें ओनली एक ही अलील शो कर रही हो अपने आप को. बिल्कुल, और जरूरी नहीं है, इसका आंसर ये होगा कि जरूरी नहीं है. जैसे अगर हम पूरा ब्लड ग्रुप लेते हैं ए बी ए बी ओ जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये तो हुआ मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल. बट इन चार ब्लड ग्रुप में से केवल ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को शो करता है, ए नहीं करता, बी नहीं करता, ओ नहीं करता, केवल ए बी शो करेगा. ये ऊपर लिखा हुआ है, आपने जो बोला सही बोला. जरूरी नहीं है कि जो भी करेक्टर मल्टीपल एलिलिज्म को शो करे वो करेक्टर को डोमिनेंस को भी शो करे. ये आपने शायद इस तरीके से सोचा होगा कि यहाँ भी ब्लड ग्रुप लिखा है, यहाँ भी ब्लड ग्रुप लिखा है, लेकिन यहाँ पे चारों ब्लड ग्रुप है, चारों ब्लड ग्रुप के लिए दो से ज्यादा एलील्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में कोई एक ब्लड ग्रुप होगा तो उसके लिए तो दो ही एलील आएंगे ना, हम सब डिप्लॉइड हैं. अगर मेरी बॉडी मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो भी मेरे पास केवल दो ही एलील तो आएंगे. पूरी पॉपुलेशन में दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल में तो दो ही होंगे ना, इंडिविजुअल तो डिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड थोड़ा होता है. आपका ए ब्लड ग्रुप होगा तो दो एलील आएंगे, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो भी दो आएंगे, किसी का ए बी है तो भी दो आएंगे. लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन में क्योंकि चारों ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं तो चारों ब्लड ग्रुप दो एलील से नहीं बन सकते, चारों ब्लड ग्रुप के लिए दो से ज्यादा एलील होगी तो पॉसिबिलिटी आएगी. लेकिन एट ए टाइम किसी इंडिविजुअल में किसी एक में केवल दो ही होंगे, और जब एक में दो होंगे तो फिर ये डिपेंड करेगा कि वो कोडोमिनेंस को शो करेगा या वो डोमिनेंस को शो करेगा या वो कुछ भी नहीं शो करेगा, वो सबका अलग अलग आएगा. अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो कोडोमिनेंस को शो करेगा, और अगर कहा जाए कि यार ए बी ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है तो नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप है तो नहीं है, ए ब्लड ग्रुप है वो भी नहीं है, बी ब्लड ग्रुप है वो भी नहीं है, क्योंकि जो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आप बोलते हो ना वो तो अलग अलग जीनोटाइप्स होते हैं. द कैरेक्टर दैट इज हैविंग ब्लड ग्रुप, हमारा कोई ना कोई ब्लड ग्रुप है और ये इन चार में से कोई ना कोई एक ही आएगा इंडिविजुअल में. किसी भी एक इंडिविजुअल में दो ब्लड ग्रुप तो नहीं होते ना, ये तो कॉमन सी बात है. तो अगर एक ही ब्लड ग्रुप आ रहा है तो इसका मतलब वो किसी एक चीज को शो करेगा, या तो डोमिनेंस या कोडोमिनेंस या कुछ और. लेकिन पूरा एज ए करेक्टर अगर आप कंसिडर करते हैं तो वो करेक्टर अपने आप में मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है. ये आपको याद रखना, देखो अभी इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिया ताकि आपको ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ समझ में आ जाए. तो हमारे बॉडी में जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है ये किससे गवर्न होता है, दिस इज कंट्रोल्ड बाई या गवर्न बाई जीन कैपिटल आई. ये आई जीन से गवर्न होता है, जिसकी थ्री एलील्स हैं, हैविंग थ्री एलील्स. तो जीन एक ही है उसमें एलील्स तीन है. अब किसी इंडिविजुअल में इन तीन में से कोई दो ही होंगी, आप तीनों एक साथ नहीं ला सकते. मेरी बॉडी में तीनों नहीं आ सकती, आप में से किसी की बॉडी में All the three alleles are not possible. Only two out of three is possible. मेरी में भी और आपकी बॉडी में भी. तो ये और ये कौन कौन सी एलील है, दीज आर कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई. ये थ्री एलील्स हैं एक जीन की. तो
तो अगर एक जीन में दो से ज्यादा एलील्स हो गए तो ये केस क्या बनेगा, मल्टीपल एलीलिज्म का केस बनेगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस ये है कि जो कैपिटल आई ए है वो स्मॉल आई पे डोमिनेंट है, आप इसे लिख सकते हो कैपिटल आई ए डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, कैपिटल आई बी इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। While small i is recessive, ये तो किसी पर डोमिनेंट हो ही नहीं सकती, तो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस क्या है, और ये दोनों आपस में कैसी हैं, कोडोमिनेंस हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं, कैपिटल आई ए विच इज कोडोमिनेंट विद कैपिटल आई बी एंड इंडिविजुअली बोथ आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, ये इनका ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस है। मान लीजिए मेरे घर में मैं और मेरे दो सिबलिंग्स हैं, वी हैव थ्री, अब उसमें है क्या, दो सिस्टर है मैं ब्रदर हूं, तो वो दोनों सिस्टर आपस में कोडोमिनेंट हैं क्योंकि मुझसे दोनों बड़ी हैं, और क्योंकि मुझसे बड़ी हैं तो कोई भी सिस्टर मेरे से डोमिनेंट है, बड़ी सिस्टर भी मेरे से डोमिनेंट है, छोटी सिस्टर भी मेरे से डोमिनेंट है, बट वो दोनों सिस्टर मान लीजिए ट्विंस होती, उन दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तो वो दोनों आपस में कैसी होती, कोडोमिनेंट, जो मेरे ऊपर क्योंकि मैं दोनों से छोटा हूं तो वह मेरे ऊपर वो क्या होती, डोमिनेंट। तो अगर आप कैपिटल आई ए को स्मॉल आई के साथ ले रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंस। अगर कैपिटल आई बी आप स्मॉल आई के ऊपर ले रहे हो तो भी ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंस। बट अगर आप कैपिटल आई और कैपिटल आई ए आई बी ले रहे हो तो ये आपस में क्या कहलाएगा, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, यस। तो सिर्फ ये कोडोमिनेंस है, इसका इसके ऊपर डोमिनेंस, इसका इसके ऊपर भी डोमिनेंस, आपस में कोडोमिनेंस, और ये तो रिसेसिव है अकेला। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस बेसिकली किस किस को फॉलो कर रहा है, अगर ब्लड ग्रुप है तो क्योंकि उसमें एक करेक्टर पे थ्री एलील आ रही है तो ये मल्टीपल एलील्स का केस हो गया। ब्लड ग्रुप में जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये वाला, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और ब्लड ग्रुप में जो ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप आएगा वो डोमिनेंस के एग्जाम्पल है, जैसे मेंडल ने डोमिनेंस को समझाया था वैसे, बिकॉज कैपिटल आई ए इज डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते ना, तो यहाँ लिखा है कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, तो ये दोनों डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, और ओ ब्लड ग्रुप जो भी आप पढ़ेंगे वो रिसेसिव से आएगा। देखिए कैसे आता है, सर नीचे कर दो, जस्ट अ मिनट, अब हम देखते हैं डोमिनेंस को किस तरीके से आप समझोगे, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखिए कंटिन्यूएशन में ये हमारे पास थ्री एलील्स हैं, थ्री एलील्स के हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, बनाइए। मान लेते हैं कि कैपिटल आई ए होमोजाइगस सिचुएशन में हो, कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए, हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो होमोजाइगस हेटरोजाइगस ही तो बना सकते हो, दोनों एलील सेम हो सकती हैं तो होमोजाइगस, दोनों एलील डिफरेंट हो सकती हैं तो हेटरोजाइगस, तो ये आएगा। अगर कैपिटल आई ए के साथ स्मॉल आई है तो कैपिटल आई ए डोमिनेंट है क्योंकि स्मॉल आई के ऊपर, तो इम्पैक्ट किसका आएगा, कैपिटल आई ए का आएगा, इन दोनों से जो ब्लड ग्रुप बनता है दैट इज ए ब्लड ग्रुप। ऐसे कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी हो सकता है होमोजाइगस स्टेट में, और कैपिटल आई बी स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है तो ये हेटरोजाइगस हो गया, इन दोनों से ब्लड ग्रुप क्या बनता है, बी ब्लड ग्रुप बनता है। कैपिटल आई ए के साथ अगर कैपिटल आई बी आ जाए तो ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा, नाइदर वन इज डोमिनेंट नाइदर वन इज रिसेसिव, बोथ आर कोडोमिनेंट टू ईच अदर। या फिर आप स्मॉल आई ले सकते हैं तो यहां से ब्लड ग्रुप बनता है ओ, बाकी आप थ्री एलील से कोई और कॉम्बिनेशन बना के देख लो, बनेगा ही नहीं, इतने ही बन सकते हैं, सबके होमोजाइगस सबके हेटरोजाइगस,
कैपिटल आई ए का होमोजाइगस हो गया, कैपिटल आई बी का होमोजाइगस हो गया, स्मॉल आई का होमोजाइगस हो गया। हेटरोजाइगस बनाओगे तो कैपिटल आई ए को स्मॉल आई के साथ ले सकते हो, कैपिटल आई बी को स्मॉल आई के साथ ले सकते हो, या ए बी को आप अलग अलग ले सकते हो, यही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। तो अगर आप इसको देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या हुए, दीज आर जीनोटाइप्स, 6 और ए बी ए बी ओ ये सब क्या है, 4 फीनोटाइप्स। पूछा जाता है कि अगर किसी करेक्टर में 3 एलील्स हैं तो उसमें फीनोटाइप कितने होंगे और जीनोटाइप कितने होंगे। तो आप मान लीजिए कि वो करेक्टर अगर मल्टीपल एलील्स में ब्लड ग्रुप होता तो 4 फीनोटाइप बन सकते हैं, 6 जीनोटाइप बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। हालांकि मैथमेटिक्स में एक फार्मूला भी है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी जीन के अंदर 5 एलील्स हैं तो फिनोटाइप और जीनोटाइप कितने बनेंगे, तो हम मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस से बाहर है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 3 एलील्स हैं तो 4 फिनोटाइप्स एंड 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। ए बी ए बी ओ ये ब्लड ग्रुप कहलाते हैं हमारे, ये हमारे फिनोटाइप्स हैं, इनको हम एंटीजन से पहचानते हैं। आपने इसको अगर आप जूलॉजी में ले जाओगे तो फिर आगे लिखा होता है कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सी है, बी में एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सी है, ए बी में एंटीजन दोनों होते हैं, एंटीबॉडी 0, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, दोनों एंटीबॉडी होती है। तो आप चाहें तो इनके एंटीजन एंटीबॉडी भी लिख सकते हैं। आपने जहाँ भी ब्लड को पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू में या सर्कुलेशन चैप्टर में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, वहाँ आपको एंटीजन एंटीबॉडी भी पढ़ाए गए होंगे, चारों ब्लड ग्रुप में कौन से कहाँ होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे लिए केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप्स आर पॉसिबल If there are 3 alleles। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये चार ऑप्शन हो गए 1, 2, 3, 4, अब आपसे कहा जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कभी भी हेटरोजाइगस स्टेट में नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा, ओ ब्लड ग्रुप। आई ओ ओ ओ ब्लड ग्रुप है ना, ये फिनोटाइप है ना, तो फिनोटाइप बोलना है आपको, तो ये कभी हेटरोजाइगस नहीं हो सकता। ऐसे कहा जाए कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कभी होमोजाइगस नहीं हो सकता, एबी, एबी का तो जीनोटाइप यही बनेगा ना, ये कभी होमोजाइगस नहीं हो सकता, ये कभी हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता, और ए और बी होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है ये, तो कि जो टेक्स्ट में छपा हुआ है, जो आपकी बुक में दिया है, जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया आपको, जो केल्विन के मॉड्यूल में प्रिंट कर दिया गया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, आपने याद कर लिया सीधे सीधे। फिर लॉजिक्स लगाना है तो अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि रादर देन करेक्टर मैं सिर्फ यही बोलता कि इफ ए जीन हैज 3 एलील्स देन व्हाट आर पॉसिबल जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स फॉर दैट कॉम्बिनेशन, तो देयर आर 4 फिनोटाइप्स एंड 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। आप कोई और नाम लिख के कर सकते हो, ए बी लिख के कर लो, एक्स वाई लिख के कर लो, जरूरी नहीं है कि आई ए आई बी लिख के करें, ये आपको याद रखना है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के एग्जांपल। अच्छा एक चीज, जब भी करेक्टर अननोन होता है, जैसे मैं आपसे कभी कहूं कि एक टॉल प्लांट का क्रॉस डॉफ से कराया गया, F1 में क्या आएगा, सिर्फ इतना ही है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, डीपीपी आप कर चुके हैं, टेस्ट भी आप दे चुके हैं। तो अगर मान लीजिए आप टॉल का क्रॉस डॉफ से करा रहे हो, तो यहाँ पे टॉल कैसा होगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, मैंने तो बोला नहीं, तो आप क्या लेते हैं, हेट्रोजाइगस। जब भी कभी हेट्रोजाइगस की पॉसिबिलिटी होती है किसी भी केस में, तो आपको क्या लेना है, हेट्रोजाइगस ही लेना होता है, बिकॉज हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देनी होती है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हेट्रोजाइगोट पे ही जाना होता है। तो जहां जहां हेट्रोजाइगोट की सिचुएशन है, अगर कभी कहा जाए कि डॉर्फ का क्रॉस टॉल से कराया गया, तो डॉर्फ तो हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता ना, डॉफ तो रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर कभी भी हेट्रोजाइगोट नहीं होता, या तो डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट होता है, या अभी आपने पढ़ लिया कोडोमिनेंस भी हेट्रोजाइगोट होता है, ए बी लिखा हुआ है। तो अगर आपसे कभी कहा जाए कि ए ब्लड ग्रुप का पर्सन अगर बी ब्लड ग्रुप के पर्सन से मैरी करता है, तो आने वाले चिल्ड्रंस में ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, अब ऐसे केस में ए और बी ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन आप क्या लोगे, क्योंकि ए और बी ब्लड ग्रुप तो दोनों होमोजाइगस भी होते हैं, हेट्रोजाइगस भी होते हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन क्या लेना पड़ेगा, हेट्रोजाइगस, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज निकालने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस में आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है।
आपको ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की पॉसिबिलिटीज निकालनी है। तो पॉसिबिलिटी जब भी निकालते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स, तो पॉसिबल निकालने के लिए फिर आपको मैक्सिमम पे जाना होता है और मैक्सिमम आपको हेटरोजाइगोट से मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते समय आपको ये याद रखना है कि जहां जहां हेटरोजाइगोट की सिचुएशन है, हालांकि हमें पता है कि ओ ब्लड ग्रुप कभी हेटरोजाइगोट नहीं होता, जो नहीं होता उसमें कैसे लोगे, उसमें तो ले ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल कोट किया। इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि इफ ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए ब्लड ग्रुप मैरीज ए लेडी विद बिलोंगिंग टू बी ब्लड ग्रुप, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इन दियर चिल्ड्रन। तो आपको वो पॉसिबिलिटीज निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चन को करने के लिए, मान लीजिए एक मेल है, जैसे मैंने कहा उसका ब्लड ग्रुप ए है, ये मैरी करता है किसी फीमेल से जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो आपको आने वाली चिल्ड्रंस के अंदर ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज निकालनी है। अब मेल ए ब्लड ग्रुप का है, यहाँ ये तो नहीं कहा गया कि ये होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, तो हमें तो पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या लेंगे हेटरोजाइगोट। तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, फीमेल भी हमें नहीं पता क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन क्या लेंगे कैपिटल आई बी स्मॉल आई हेटरोजाइगस, क्योंकि ये दोनों ब्लड ग्रुप होमोजाइगस हेटरोजाइगस में होते हैं, तो हमें हेटरोजाइगस लेने। अगर होता है कि ए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप से मैरी करता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप का तो यही होता है और दूसरा को तो कोई है ही नहीं। ओ ब्लड ग्रुप ए बी से मैरी करता है, तो इसका यही है, इसका यही है, जो जिसका है वो लिख दीजिए, जहां दोनों ऑप्शन है वहां हेटरोजाइगोट लेना है। अब आप क्रॉस करा लीजिए, यहां से दो गैमीट बनेंगे, ये दोनों अलग अलग, यहां से भी दो बनेंगे, आप चाहे तो चेकर बोर्ड बना सकते हैं। चेकर बोर्ड बनाएंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये मेल गैमीट्स हैं, साइन बना दिया मैंने, ये फीमेल गैमीट है। मेल में गैमीट क्या है, कैपिटल आई ए आएगा और स्मॉल आई आएगा। फीमेल में गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आई बी आएगा और स्मॉल आई आएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी कैपिटल आई बी स्मॉल आई कैपिटल आई ए स्मॉल आई और स्मॉल आई आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी इज टू कैपिटल आई बी स्मॉल आई, फोर पॉसिबिलिटी सारे आ जाएंगे विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ये बी ब्लड ग्रुप होगा, ये ए ब्लड ग्रुप होगा और ये ओ ब्लड ग्रुप होगा। 25% आर द चांसेस फॉर ईच ब्लड ग्रुप टाइप। जैसे ये क्वेश्चन ये कहा जाता कि आने वाली जनरेशन में ओ ब्लड ग्रुप होने के चांसेस कितने हैं, तो आंसर क्या आएगा 25%। 25% 25 25 25 25। सर अगर हमें पता करना होगी कोई पेरेंट्स हेटरोजाइगस या होमोजाइगस तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए तो फिर आपको पूरा डेटा चाहिए। अगर आपको सिर्फ यही पता करना है कि वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, तो उसके लिए तो फिर आपको वही टेस्ट क्रॉस वाला मेथड है, या तो वो करिए उनके पेरेंट्स से क्रॉस कराइए, क्योंकि मेंडल ने तो प्योर लाइन चूज किया था ना। अगर हम अपने ब्लड ग्रुप तो हमारा अपना होता है, ह्यूमन का है, अब आप कहें कि मेरे पेरेंट्स प्योर थे या हेटरोजाइगट थे, तो ये पता करना फिर वो उनके पेरेंट्स से पता चलेगा, तो वो तो पूरी आपको जनरेशन ट्रेस करनी पड़ेगी। हाँ ये जरूर है कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो पॉसिबली मेरे मदर फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा या क्या नहीं हो सकता, ये पता कर सकते हो बाय दिस मेथड। या फादर का ब्लड ग्रुप ए है और बेबी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पता किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी आएगी, 100% श्योर नहीं हो सकते हैं आप, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे चार बेबीज बनेंगे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट पता चला इस कपल ने केवल एक ही बेबी प्लान किया। अब आप कहेंगे सर उसमें तो ओ ब्लड ग्रुप आ गया तो 100% आंसर हो जाएगा, 100% तो ना हो जाएगा, इट्स अ चांस फैक्टर कि 25% ये वाला आ गया, ये भी 25% आ सकता था, कोई इश्यू तो ना है। ई प्लांट पे तो 6000 प्लांट थे, तो आपने सबको काउंट कर लिया, ह्यूमन में तो कपल का बेबी एक ही होगा ना पहले, तो आप वहां 3:1 रेशियो तो ना लगा दोगे कि सर चार होते तो 75% आता, वहां क्या बोला जाएगा पॉसिबिलिटी,
कि जब पहला बेबी होगा तो चांसेस ये हैं कि 75% ये करेक्टर हो, 25% ये करेक्टर हो, एक ही बेबी के अंदर पॉसिबिलिटी देते हैं। तो ऐसे यहाँ पॉसिबिलिटी आ गई कि ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, चारों ब्लड ग्रुप में से कोई सा भी हो सकता है, सबकी पॉसिबिलिटी बराबर है, सबके चांसेस बराबर है ना, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कोई और क्रॉस भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे एक आ जाए कि अभी मैंने जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया था, वो ले सकते हैं कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ओ वाले पर्सन से मैरी करता है तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, तो ए बी ब्लड ग्रुप में आई ए आई बी और ओ ब्लड ग्रुप में स्मॉल आई आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसका क्रॉस इस आई से करिए तो आई ए आई आएगा, इस आई ए का क्रॉस दूसरे वाली आई से करिए तो भी आई ए आई आएगा, ऐसे बी वाले का क्रॉस स्मॉल आई से करिए आई बी आई आएगा, और फिर बी वाले का दूसरी स्मॉल आई से करिए तब भी आई बी स्मॉल आई आई आएगा, यहाँ से ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए और यहाँ से ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी। अगर ए बी और ओ पर्सन के इंडिविजुअल मेट करते हैं तो बेबी के अंदर ब्लड ग्रुप होने के चांसेस ए और बी है, और वही 50-50%, जब पहला बेबी बॉर्न हो तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, बराबर पॉसिबिलिटी है, वो नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। और ये मैंने सीधे क्रॉस किए, उल्टे भी हो सकते हैं, लाइक फादर या सन का दे दिया और आपको मदर का निकालना है, या मदर और सन का दे दिया फादर का निकालना है, ये सब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी के तो इतना लिख के अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, ये आपको लॉजिक्स या कैलकुलेशन खुद ही करनी है कि ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करो। ठीक है, क्लास आपकी थोड़ी सी खींचे आगे जाएगी, सबने इन्फॉर्म किया होगा, है ना। नेक्स्ट देखें, मैं चाहता हूं कि डेविएशन वाला सेक्शन कम से कम पूरा हो जाए, तो हो जाएगा। हमने तीन चीजें पढ़ ली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट फोर्थ, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का केस क्या था, जहां पे जीन एक होगी, कैरेक्टर्स एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी इज द अकरेंस ऑफ जीन विच हैज मोर देन वन फीनोटाइप्स, सच जीन इज कॉल्ड pleiotropic gene and phenomena is called pleiotropy. So, pleiotropy क्या हो गया, occurrence of a gene having more than one phenotypes, such gene is called pleiotropic gene and phenomena is called pleiotropy. ये एग्जाम्पल देखेंगे तो एनसीईआरटी ने दो तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से। स्टार्ट सेंटेंस क्या हुआ सर, स्टार्ट सेंटेंस इन पी प्लांट। हाँ, एग्जांपल में पहला देखते हैं, पी प्लांट के अंदर क्या केस है। इन पी प्लांट देयर इज जीन कैपिटल बी, कैपिटल बी ये वन जीन है, governs two character, character कौन से, one is starch synthesis, starch कैसे बनेगा और कितना बनेगा, ये भी यही जीन देखती है, और उसके हिसाब से starch के grain का size, size बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, वो जीन भी यही देखती है, तो जीन एक है, character दो हो गए, तो ये जीन क्या कहलाएगी, pleiotropic जीन कहलाएगी। अब जब आप इन करेक्टर के हिसाब से समझोगे तो आपने अभी लिखा था स्टार्च ग्रेन साइज अगर पी में है तो वो किसका एग्जांपल था, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था, लेकिन जीन यही है जो ये काम कर रही है, ऐसे स्टार्च की सिंथेसिस हो या ना हो तब भी जीन यही काम कर रही है, तो एक जीन दो करेक्टर गवर्न कर रही है तो जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से, सिकल सेल एनीमिया। अब हम डिजीज वाली ले रहे हैं, अभी तक हमने कोडोमिनेंस में लिखा था कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, नाउ सिकल सेल एनीमिया
इस केस में वन जीन है, दैट जीन इज HBS, HBS ये जीन है। जैसे यहाँ पे HbA HbS लिखा था हमने, वो था कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, लेकिन यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया जिस पर्सन को है वो पर्सन का जीनोटाइप है, वहां कैरियर था डिजीज नहीं थी, यहाँ डिजीज है। इस केस में आप देखेंगे तो कौन कौन से करेक्टर्स गवर्न करेंगे, जब जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है उसको हीमोलिटिक एनीमिया है, मतलब उसमें आरबीसी टूटेंगी, हीमोग्लोबिन टूटेगा, ये तो मेन करेक्टर है ही, दैट इज वन इज हीमोलिटिक एनीमिया। एनीमिया इज लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन बाय ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोलिटिक एनीमिया एक करेक्टर हो गया। दूसरा करेक्टर है, ऐसे पर्सन को मलेरिया नहीं हो सकता, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, किसी भी सिकल सेल एनीमिया वाले पर्सन को मलेरिया नहीं हो सकता, तो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये दूसरा करेक्टर हो गया। तीसरा करेक्टर क्या है, जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट इफेक्ट करता है, एडवर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल इफेक्ट ऑन बोन्स, लंग्स, लीवर एटसेट्रा, इन बॉडी पार्ट का जो डेवलपमेंट है वो सफर करेगा। तो एक जीन है बट रिस्पॉन्सेस बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए ये जीन भी क्या कहलाएगी, प्लियोट्रॉपी कहलाएगी। एक थर्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, another disorder is phenylketonuria, इसको PKU लिखा जाता है, in human, phenylketonuria के केस में क्या है कि जो जीन है that is mutant gene, mutation के बाद ही phenylketonuria होता है, तो जो mutant gene है उसमें इंपैक्ट क्या क्या आएंगे, एक एंजाइम है जो नहीं बनेगा, नो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, दैट एंजाइम इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एक इंपैक्ट है। दूसरा इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन आएगा, वॉइस ब्रेक हो रही सर, नो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, दैट एंजाइम इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जब फिनाइल कीटोन्यूरिया पर्सन को होता है तो उसमें ये एंजाइम नहीं बनता। इसके अलावा मेंटल का मेंटल रिटार्डेशन भी आएगा, इसके अलावा जो मेलानिन की सिंथेसिस है वो कम होगी, लो मेलानिन सिंथेसिस, जिसकी वजह से हो गया क्या, रिडक्शन सर इन, हाँ बोलो सर, ये मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, दिमागी तौर पे कमजोर दिमाग, मेंटल रिटार्डेशन मतलब अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, लोग 12 साल में 12 साल का काम ना कर सके, 20 साल में 20 साल के काम ना कर सके, या 5 साल का बच्चा 5 साल का काम ना कर सके, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन। जैसे फिजिकली चैलेंज होता है वैसे मेंटली चैलेंज भी आप मान सकते हैं। सो जीन एक है, उसके इंपैक्ट बहुत सारे हैं, मेलानिन की सिंथेसिस कम होगी तो हमारे हेयर और स्किन में कलर कम हो जाएगा, है ना, हमारी स्किन और हेयर का कलर ब्लैक है बिकॉज ऑफ मेलानिन, तो नो मेलानिन सिंथेसिस से क्या होगा, हेयर और स्किन का पिगमेंटेशन में रिडक्शन आ जाएगा। जीन एक है, इम्पैक्ट एक से ज्यादा है, इसलिए ये सब प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल है, याद कर लीजिए जेनेटिक्स। नाउ द लास्ट इज, जहां पे एक से ज्यादा जीन हो और करेक्टर एक हो, जो हमने लिखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना, डेविएशन में 5 डेविएशन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी, एंड द लास्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये और कर लो,
कम से कम ये है कि डेविएशन मेंडलिज्म के पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। नाउ द लास्ट वन इज फिफ्थ, इसको आप बोलते हैं पॉलीजेनिक मल्टीपल जीन्स। जैसे जैसे जीन का नंबर बढ़ेगा कैरेक्टर में स्ट्रेंथ जो कैरेक्टर की है वो चेंज होती जाती है, तो इट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के हिसाब से। या जीन में फैक्टर, अब जैसे पॉली जीन्स है तो फैक्टर भी ज्यादा हो गए, तो इसको बोल दिया जाता है मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। लास्ट वन इज पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे यूजुअली, वैसे तो हमने लिखा है मोर देन वन जीन्स गवर्न वन कैरेक्टर तो पॉलीजेनिक कहलाता है, मोर देन वन। लेकिन जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि एक्चुअली जहां भी मोर देन वन है तो उनका नंबर थ्री या थ्री से ज्यादा है, तो इसलिए हम अब प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री और मोर देन थ्री जीन्स ये मिलके एक करेक्टर को गवर्न कर रही है, वन फिनोटाइप। सर टू भी होंगी तो अभी तो हम पॉलीजेनिक कह सकते हैं, एग्जांपल नहीं है। आप कंसेप्ट के हिसाब से बोल सकते हो टू, लेकिन टू का कोई एग्जांपल नहीं है। जितने भी एग्जांपल नोन है उनमें थ्री या थ्री से ज्यादा जीन है, इसलिए लिख दिया। बाकी मोर देन वन जीन गवर्न्स वन कैरेक्टर इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बट जितने भी नेचर में एग्जाम्पल रिपोर्ट किए गए उन सारे एग्जाम्पल में थ्री या थ्री से ज्यादा जीन्स है, तो इसलिए अब एप्रोप्रिएट लिख दिया गया है कि थ्री या थ्री से ज्यादा जीन्स मिलके एक फिनोटाइप को गवर्न करते हैं। इफ मोर देन वन जीन गवर्न्स वन पर्टिकुलर फिनोटाइप इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड मोर देन वन का मतलब यहाँ पे है थ्री या मोर देन थ्री से। अगर हम इनको कलेक्टिव ले लें कि मान लें ये थ्री जीन है रादर देन थ्री जीन, इनको फिर एक नाम दे दिया गया कलेक्टिवली, डीज आर कॉल्ड, इनको मिला के बोल दिया जाता है पॉलीजीन, और इसको बोलते हैं कुमुलेटिव। ऐसी जीन जो पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में आती है, अब या तो हम नंबर बोलेंगे तीन लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, या मैं उन तीनों को एक नाम दे दूं, तो तीनों को मिला के मैंने नाम दे दिया कि ये पॉलीजीन है जो काम कर रहे हैं, वन पॉलीजीन वन करेक्टर। हालांकि वन पॉलीजीन में मतलब हो ही गया, पॉली मीन्स मैनी, तो मैनी जीन का कॉम्बिनेशन होगा जो एक करेक्टर को गवर्न करेगा। सो कलेक्टिवली दीज जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजीन और कुमुलेटिव जीन, चाहे वो तीन हो, सात हो, दस हो, पंद्रह हो, कुछ भी हो सकता है नंबर, सबको मिला के एक वर्ड में लिखेंगे तो वो पॉलीजीन या कुमुलेटिव जीन कहलाते हैं। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस की एक और खास बात है कि नेचर में ये एनवायरमेंटल फैक्टर से गवर्न्ड होता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जीन अगर एक से ज्यादा है तो करेक्टर आएगा, उसके साथ साथ इसमें एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी आता है ना, ये याद रखिएगा। This type of inheritance is also favored by environmental factor. यहाँ genetics के साथ साथ environment भी important है, स्पेशली पॉलीजीन के लिए बोला ही जाता है कि ऐसा नहीं होता कि मेरे पास जीन है तो पर्टिकुलर बॉडी में करेक्टर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ उस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए वो भी जरूरी है, वो भी होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप के साथ साथ बीच में इन्वायरमेंट भी आ गया, अगर इन्वायरमेंट कंडीशन सुटेबल नहीं है तो जीनोटाइप करस्पॉन्डिंग फिनोटाइप नहीं देगा। So, ये इंपॉर्टेंट है कि दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज ऑल्सो फेवर्ड बाई, ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई
इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल है बुक में, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वो हमारी बॉडी में स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर। स्किन बोल दिया गया, बाकी स्किन कलर हो या हेयर कलर हो एक ही बात है, हमारी स्किन और हेयर में जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लैक पिगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलानिन। मेलानिन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लैक कलर आता है, तो जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा बॉडी ब्लैक, जितना कम मेलानिन उतना बॉडी फेयर होती जाएगी, स्किन फेयर होती जाएगी, हेयर व्हाइट होते चले जाएंगे, दोनों बातें आ सकती हैं। हमने स्किन लिख जरूर दिया, बाकी हेयर कलर के लिए भी अगर है तो बातें की। अब जैसे आप जूलॉजी का एंगल लेके आइए, मैं आपको समझाता हूँ, जू में आपने क्या ऑलरेडी पढ़ा होगा, आपने मिडिल पिट्यूटरी से हार्मोन पढ़ा होगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा है, MSH। यस सर। हमारी स्किन में जो सेल्स होती है दोज आर कॉल्ड मेलानोसाइट्स। हमारी स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्किन में एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस आएगी, डर्मल सेल्स के अंदर मेलानोसाइट्स होती हैं। मेलानोसाइट वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में हमारी स्किन में मेलानिन की सिंथेसिस करती हैं। अब सेल्स अपना काम करें यानी कि सेल्स मेलानिन को बनाएं, इसके लिए मिडिल पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, उसे हम बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, और स्किन का स्ट्रक्चर आपने सेंस ऑर्गन में पढ़ा होगा। फिर आप तीसरी चीज ये भी, आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं वो ज्यादा काले होते हैं, जो हिली एरियाज पे रहते हैं, लद्दाख हो गए या मान लीजिए और ऊपर की बेल्ट पे जाएंगे, तो कंक्लूज ये है करना में कि लो टेम्परेचर मेलानिन की सिंथेसिस को प्रमोट नहीं करता, हाई टेम्परेचर मेलानिन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। अगर कोई पर्सन मान लीजिए जो है वो सुबह से शाम तक एसी में ही रहेगा तो उसकी बॉडी का कलर फेयर होता जाएगा, बिकॉज लो टेम्परेचर की वजह से मेलानिन की सिंथेसिस कम होती है। ऐसे जो लोग हिली एरियाज में होते हैं वहां पे आपको डार्क कलर नहीं मिलेगा, डार्क कलर कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिकल बेल्ट में जहाँ मैक्सिमम सनलाइट आती है। कोई जैसलमेर में रह रहा है तो उसका हेयर कलर अलग है, उसका स्किन कलर अलग है, दिल्ली में अलग है। ऐसा नहीं है कि केवल टेम्परेचर से गवर्न होगा, यहाँ लिखा हुआ है जीन चाहिए, हार्मोन चाहिए जो आप पढ़ चुके हैं कहीं और किसी चैप्टर में, और टेम्परेचर चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है, जीन हार्मोन टेम्परेचर, तीनों चीजें जब एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन में आएंगी तो मेलानिन की सिंथेसिस होगी। हम अभी क्या पढ़ेंगे, हम ये मान लेंगे कि मेरी मिडिल पिट्यूटरी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, MSH नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज हो रहा है और मैं हाई टेम्परेचर के जोन में हूँ। इन दैट केस मेरा जीनोटाइप मेलानिन बनाएगा और बॉडी में कलर ब्लैक होगा। अगर कोई लो टेम्परेचर एरिया में है, कोई जम्मू कश्मीर लद्दाख या ऊपर की बेल्ट में है, टेम्परेट एरिया का कोई केस है, तो वहां पे जीन तो है मेलानिन के लिए, पिट्यूटरी भी अपना काम कर रही है, बट क्योंकि टेम्परेचर लो है इसलिए मेलानिन नहीं बन पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रॉपिकल बेल्ट में कोई गोरा नहीं होता, वहां रीजन क्या है, टेम्परेचर है, MSH अपना काम भी कर रहा है, लेकिन जीन्स वैसे नहीं है जो मेलानिन को प्रमोट करते हो। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है कि जीन्स, टेम्परेचर और MSH, जब ये तीनों एक कॉम्बिनेशन में आएंगे देन ओनली हमारी बॉडी में मेलानिन की सिंथेसिस होगी, अकॉर्डिंगली बॉडी का कलर आएगा। अभी हम ये मान लेते हैं कि टेम्परेचर इज नॉट द फैक्टर, जो फिलहाल के लिए देखना है हमें, MSH गवर्निंग पॉइंट नहीं है, वो किसी भी बॉडी में नॉर्मली जो बनना चाहिए बन रहा है। अब अगर जीनोटाइप के करस्पॉन्डिंग फिनोटाइप, क्योंकि हमारा काम यही है जीनोटाइप से फिनोटाइप कैसा बनता है ये देखना, तो इफ टेम्परेचर इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, इफ MSH इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, then what will be the case for corresponding genotype and the skin color, वो हमें यहाँ पे consider करना है। देखिए हमारा जो skin color है, human skin color, it is governed by three pair of genes, और dominant case में लिखेंगे तो capital A, capital B, capital C, this is governed by three pairs of gene, A, B and C, तीन जीन से गवर्न्ड होता है। अब जैसे मैं अभी आपको रेस समझा रहा था, तो हमारी जो डोमिनेंट रेस है वो क्या है, निग्रोज। निग्रोज प्योर ब्लैक कहलाते हैं, दे हैव कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये अनमॉडिफाइड एलील वाला केस,
कि इवोल्यूशन में नेचर ने मेलानिन को एक्सेप्ट किया, तो जो डोमिनेंट ट्रेट हमारी बॉडी में है वो ये है, जो निगरोज हैं दे आर डोमिनेंट। अगर साउथ अफ्रीकन या वेस्ट इंडीज को आप देखोगे तो उनमें मैस्कुलाइन पावर, उनमें स्किन कलर तो आपको दिखाई दे ही रहा है, बट अगर आप वैसे देखोगे तो उनकी हाइट अच्छी होती है, उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना। कभी भी आपको डॉर्फ टाइप के इंडिविजुअल आपको इस पॉपुलेशन में रेयरली मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, तो क्योंकि सारे डोमिनेंट करेक्टर वाले जीन है, तो इसलिए नेचर में सबसे ज्यादा फेवर इन्हीं को किया जाएगा, क्योंकि अनमॉडिफाइड एलील नेचर एक्सेप्ट करती है, ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में समझ चुके हैं। जो म्यूटेशन से कभी बना होगा ड्यूरिंग द 50,000 ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, जहां से होमो सेपियंस का ओरिजिन हुआ, उसमें एल्बिनो बने, एल्बिनो कलरलेस कहलाते हैं, ALBINO, ये प्योर ब्लैक है, ये वाइट मान सकते हैं आप, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से लिख दिया गया। सो दीज आर द पेरेंट्स, आपके पी पेरेंट्स हो गए। तो जब आप एक निग्रोस की मैरिज एक एल्बिनो से कराते हैं, निग्रोस तो हमें पता है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज पूरी रेस एग्जिस्ट करती है, एल्बिनो की रेस एग्जिस्ट नहीं करती, आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा, यह हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो मान लेते हैं। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, F1 में जो भी आएगा वो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आएगा, एक ग्रे कलर डेवलप हो जाएगा, ग्रे कलर डेवलप होगा तो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कलर, ना ब्लैक है ना व्हाइट है, दोनों के बीच का है। जीनोटाइप के हिसाब से क्या रहा होगा, हेटरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये इंटरमीडिएट कलर है। ग्रे मान सकते हैं, ये F1 हो गया। इस रेस को नाम दिया गया, ये कहलाते हैं मुलट्टो, जैसे हम सब हैं, वी ऑल आर मुलट्टोस हाइब्रिड, हम ना प्योर ब्लैक है ना प्योर व्हाइट है, हम ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। अब सबकी अपनी अपनी प्रोजेनी है, ह्यूमन का एवोल्यूशन 50,000 साल पहले का है, तो तब से लेके आज तक में निग्रोज और एल्बिनो के बीच में क्रॉसेस हुए, मुलट्टोस बनते गए, फिर मुलट्टो के क्रॉस मुलट्टो से होते गए, तो ये डाइल्यूट होता गया, तो ये ना तो ब्लैक तो अभी भी एग्जिस्ट करता है जहां से ओरिजिन हुआ, एल्बिनो क्योंकि रिसेसिव था एलिमिनेट हो गया, अब या तो मुलट्टो आपको मिलता है या ये मिलता है। अब मान लीजिए अगर हम मुलट्टोस की इंटरब्रीडिंग करें तो आपको क्या मिलेगा, इस केस में जो कलर आएगा वो डिपेंड करता है। अब जैसे क्या है कि 3 पेयर ऑफ जीन हो गए ABC, और हमने लिखा है कि इसका नाम क्या है, क्वांटिटेटिव है, तो जब आप प्योर डोमिनेंट फॉर्म में बनाएंगे होमोजाइगस में, तो ये 6 डोमिनेंट एलील हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो जिस इंडिविजुअल में जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे वो उतना ज्यादा ब्लैक होगा, जिसमें जितने कम होंगे या जितने ज्यादा रिसेसिव एलील होंगे वो उतना ही व्हाइट हो जाएगा, 100% ब्लैक 100% व्हाइट, और इनके बीच में आप कोई भी कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाता है कैपिटल, जैसे ये है एग्जैक्टली 50% हुआ ना, सब अपने हेटरोजाइगस में ही तो है, अब मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए और फिर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, मतलब 6 में से 5 डोमिनेंट होते तो थोड़ा सा कम ब्लैक होता, फिर 4 डोमिनेंट होते तो थोड़ा और कम ब्लैक होता, 3 डोमिनेंट हो गए तो एग्जैक्टली ग्रे आ गया, फिर 2 डोमिनेंट रह जाते तो थोड़ा और व्हाइट हो जाता, 1 डोमिनेंट होता तो थोड़ा और हो जाता, और अगर सारे डोमिनेंट खत्म हो गए सब रिसेसिव हो गए तो फिर 100% व्हाइट हो गया। तो एक्चुअली जब भी मुलट्टोस की इंटरब्रीडिंग करते हैं तो वी हैव ए शेड चार्ट, जैसा फेयर एंड लवली के शेड चार्ट होता है ना, सेम आप ब्लैक और व्हाइट के बीच में कोई भी कलर इमेजिन कर सकते हैं। इस बात को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरे मदर फादर का कलर ऐसा है तो बनने वाले बेबी का कलर क्या होगा, इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, क्वांटिटेटिव है, जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील बढ़ते चले जाएंगे उतना कलर आता जाएगा, या उल्टा बोल लीजिए जितने डोमिनेंट एलील कम होते जाएंगे उतना व्हाइट कलर आता चला आ जाएगा, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट शेड चार्ट। तो जब आप इंटरमीडिएट की सेल्फिंग करते हैं, यहाँ के हिसाब से मेटिंग हो गई, ह्यूमन है तो मेटिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, जब इंटरमीडिएट इंडिविजुअल्स मेट करते हैं तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन F2। F2 जनरेशन में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, अलग अलग रेशियो आता है, रेशियो क्या आएगा, ये 3 जीन है, इन 3 में से कोई एक जीन इन्वॉल्व हो बाकी दोनों आप ऐसे रखिए तो वो कहलाएगा 1 जीन पेयर,
अगर वन जीन पेयर का केस है तो जो रेशियो F2 जनरेशन में आएगा दैट इज 1:2:1, दैट इज निग्रोस मुलेटोस एल्बिनोस, इस तरीके से रेशियो आ जाएगा। ये प्योर ब्लैक है, ये प्योर व्हाइट है और ये बीच में ग्रे कलर के मुलेटोस आ गए। अगर टू जीन पेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो रेशियो 1:4:6:4:1, याद रखना पड़ेगा सारा आपको। ये निग्रोज है, ये एल्बिनो है, ये थोड़ा कम ब्लैक, ये मुलेटोस, मुलेटोस बीच में आएंगे और निग्रोज और एल्बिनो लास्ट में जाएंगे। ये थोड़ा कम ब्लैक है, ये थोड़ा ज्यादा व्हाइट है, मतलब ब्लैक से व्हाइट का एक शेड चार्ट लेना है आपको। और अगर ऑल द थ्री जीन पेयर आ गए, क्योंकि मैक्सिमम तीन ही है इसमें, तो जो रेशियो आएगा वो 1:6:15:20:20:15:6:1, 1:6:15:20:15:6:1। ये ब्लैक है, ये थोड़ा कम ब्लैक, थोड़ा और कम ब्लैक, ये मुलेटोस, ये फिर व्हाइट, थोड़ा और व्हाइट और ये प्योर व्हाइट। तो ब्लैक और से लेके व्हाइट का एक शेड चार्ट आ जाए। पहला और आखिरी जो लिखा होता है वो प्योर ब्लैक और प्योर व्हाइट है, एग्जैक्टली जो बीच में आएगा, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, ऐसे लिख देता हूँ। जहाँ पे ये स्टार लगा है 2:6:20, तो जो स्टार लगा है ये मुलेटोस है, और जो 1:1 लिखे हुए हैं फर्स्ट और लास्ट वो निग्रोज और एल्बिनोज है। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जीन पेयर के कॉम्बिनेशन पे है कि जितने ज्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे उसके हिसाब से ये चीजें एक्चुअली आती है। तो आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि कितने एलील्स आ रहे हैं कॉम्बिनेशन, वो याद रखिए। तो ये वन एग्जांपल दिया, शीट नीचे कर दीजिए। ये वन एग्जांपल, सर F2 वाला बता दो एक बार, समझ नहीं आ रहा क्या चीज। ये नीचे जो रेशियो लिखे हुए हैं, यस सर, एक मिनट हो गया, ये लिख लिया सबने। इस पर देखो, मैं आपको रफ पेपर पर दिखाता हूँ, यहाँ पे जगह भी नहीं है। ये देखो ऐसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये 100% ब्लैक हो गया, निग्रो है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, वन जीन पेयर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वन जीन पेयर आप कोई भी एक ले लो, मैं मान लीजिए ये ले लेता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, ये ले लो, या ये कैपिटल ले लो, ये एक ले लो, या ये कैपिटल ले लो, ये कैपिटल ले लो और ये हेट्रोजाइगस ले लो। कोई भी एक जीन पेयर लेना है बस, कोई भी एक। तो जब वन जीन पेयर आप लोगे तो क्रॉस का जो रेशियो आएगा वो 1:2:1 आएगा, ये लिखा है ना, केवल एक जीन। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 डोमिनेंट है तो 5 के हिसाब से कलर आएगा, एक के हिसाब से नहीं आएगा। तो 100% तो मेलानिन नहीं बनेगा, 100 से थोड़ा कम बनेगा, तो बस उस हिसाब से ये आएगा। इनमें से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि हमने लिखा है वन जीन पेयर। वन जीन पेयर में चाहे ए वाला लो या बी वाला लो या सी वाला लो, तीनों में से कोई एक ही लेना है। अगर टू जीन पेयर है तो क्या लेने हैं आप, या तो ये कॉम्बिनेशन बना लो, इसको ऐसे रहने दो कैपिटल में, या फिर आप ये कॉम्बिनेशन बना लो, ये कैपिटल में रहने दो, या फिर आप ये कैपिटल में रहने दो और ये कॉम्बिनेशन बना लो। तो कोई भी टू जीन पेयर लेने, ये दो दो जीन के पेयर हो गए, तो जब आप टू जीन पेयर लोगे तो रेशियो 1:4:6:4:1 आ जाएगा, है ना। आपने एक होमोजाइगस रखा है, बस कोई भी दो हेट्रोजाइगोट तीन में से बना लो। और अगर आपने तीनों का बना दिया, जैसे मैंने बना रखा था ये थ्री जीन पेयर इन्वॉल्व हो गए, तो रेशियो क्या आएगा, हो गएगा 1:6:15:20:15:6:1। और अगर फिर ये है तो ये 100% वाइट हो गया। क्वांटिटेटिव वर्ड इसीलिए यूज किया गया कि जैसे जैसे डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़ेगा,
कलर आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कम होगा कम होता जाएगा। यहाँ 6 डोमिनेंट एलील है तो 100% ब्लैक, यहाँ 0 डोमिनेंट एलील है तो 0% ब्लैक यानी 100% व्हाइट। इस कॉम्बिनेशन में से 5 डोमिनेंट एलील आएंगे, केवल एक रिसेसिव आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 डोमिनेंट एलील आएंगे, 2 रिसेसिव हो गए। यहाँ पे 3 डोमिनेंट आएंगे, 3 रिसेसिव, ऐसे यहाँ बना सकते हैं पूरा। वन जीन पेयर, टू जीन पेयर या थ्री जीन पेयर। अब हमें ये थोड़ा ना पता है कि जब मदर फादर मेट करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ से होगा, कितना होगा। हो सकता है तीनों के बीच में हो जाए, हो सकता है 2 के बीच में हो सकता है 1 के बीच में हो। जैसा भी होगा आने वाली जनरेशन का कलर आ जाएगा, बट इट इज ऑलवेज फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, कोई नया कलर नहीं आएगा। ब्लैक और व्हाइट के बीच में एक शेड चार्ट आएगा, तो शेड चार्ट के हिसाब से ये आ जाएगा। सारी बात समझ में, इस तरीके से लिखा, ये एक्चुअली पूछे जाते हैं। जैसे आप इसको देखो तो आपको यही तो लगेगा कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बराबर है, एक ही तो कंट्रास्टिंग ट्रेट हुआ, और मोनोहाइब्रिड में रेशियो क्या आ रहा था, 3:1, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 1:2:1। ऐसे ये डाईहाइब्रिड के जैसा लग रहा है, दो ही तो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई के जैसा, तो वहां रेशियो क्या आया था, 9:3:3:1, यहाँ क्या आ रहा है, 1:4:6:4:1। ट्राईहाइब्रिड हमने पढ़ा नहीं, वहां कुछ और आता है, यहाँ कुछ और आता है। तो यहाँ इसलिए अलग अलग आता है क्योंकि सारी मिलके एक ही काम कर रहे हैं, जबकि डाईहाइब्रिड में 2 जीन 2 करेक्टर, 3 जीन 3 करेक्टर, 1 जीन 1 करेक्टर, यहाँ क्या हो रहा है, 3 जीन 1 करेक्टर। तो इसलिए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस बनता है, ये आपको याद रखना है। फटाफट खत्म करते हैं। अदर एग्जाम्पल इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, सिर्फ याद रखना है, हमें उनके बारे में पढ़ना नहीं है। अदर एग्जाम्पल में हमारी जो हाइट है वो भी पॉलीजेनिक है, हमारा इंटेलिजेंस पॉलीजेनिक है। सर इंटेलिजेंस भी कोई जीन से रिलेटेड है? सब चीजें हैं, हर एक काम के लिए जीनोटाइप है। आपकी बॉडी में अगर आप पलकें भी झपकाते हो तो भी उसके लिए जीन्स हैं। बॉडी में कुछ भी होगा, सब जो दिखाई देता है, एवरी फिनोटाइप हैज ए करस्पॉन्डिंग जीनोटाइप। ये तो पूरी जेनेटिक्स का रूल है, जो चीज आपको दिख रही है उसका 100% जीनोटाइप होगा ही होगा। सर हाँ? सर ये इंटेलिजेंस फिनोटाइप कैसे हो गई? इंटेलिजेंस फिनोटाइप ही तो है, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आईक्यू टेस्ट किया तो जाता है भाई। हाइट लंबाई आपको दिखाई दे रही है, लंबाई को कैसे मेजर करोगे, नापोगे ना। आप कहें कि ह्यूमन हाइट दिखाई दे रही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस दिखाई नहीं दे रही, तो हाइट को मेजर करने का पैरामीटर है इंच में, सेंटीमीटर में, फीट में, ऐसे इंटेलिजेंस को मेजर करने का आईक्यू है, क्वेश्चन बने हुए हैं उससे टेस्ट किया जाएगा। मीट और मिल्क यील्ड इन एनिमल्स, किसी भी एनिमल में कितना मीट बनेगा या कितना मिल्क बनेगा डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, वो भी पॉलीजेनिक है। और इसी तरीके से इसमें भुट्टे, मेज में जो भुट्टा बनता है कॉब, उसकी लंबाई कितनी होगी, वो कॉब लेंथ इन मेज, ये पॉलीजेनिक है। और लास्ट में आप रख सकते हैं किसी भी प्लांट के अंदर कितने फ्रूट बनेंगे। मान लीजिए एक मैंगो का ट्री है, उसमें मैंगो कितने आएंगे। अब हर साल फिक्स तो ना होता है कि एक मैंगो एक ट्री पे जो है वो 1000 मैंगो आएंगे, कभी 900 आते हैं, कभी 2000 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी आते ही नहीं है। पॉलीजेनिक ट्रेट है, नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट। सर एक प्लांट के लिए तो फिक्स होगा ना, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। नहीं फिक्स तो जीन्स नहीं चेंज हो रहे, लेकिन जीन में एलील कितने आएंगे वो तो नहीं पता ना आपको। पॉलीजेनिक है, मान लीजिए 10 जीन मिल रहे हैं, 10 जीन का मतलब 20 एलील हो गए। अब 20 एलील्स में से अगले साल कितने एलील शो करेंगे अपना इम्पैक्ट, ये तो नहीं पता ना। इसीलिए फ्रूट का नंबर थोड़ा पता कर सकते हो, एक प्लांट पे कितने फ्लावर आएंगे फिक्स होता है क्या, कभी नहीं फिक्स होता। कभी 4 फ्लावर आ जाते हैं गुड़ैल पे, कभी 5 आ जाते हैं, कभी कोई आते ही नहीं है, मेरे यहाँ तो लगा हुआ है कोई नहीं आ रहा। ये सब पॉलीजेनिक है, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ सीड्स इन ए फ्रूट। और फ्रूट में सीड या प्लांट पे फ्रूट्स, ये कहलाती है यील्ड इन प्लांट्स। कहीं पे हमारा एडिबल प्रोडक्ट
फ्रूट है, कहीं पे एडिबल प्रोडक्ट सीड है। मान लीजिए एक गेहूं के पेड़ में गेहूं के दाने कितने आएंगे, अब ये पॉलीजेनिक है, इसे आप पता थोड़ा ना कर सकते हो कि सर इतने ही आएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है इस सेंस में है कि आप मुझे उसका जीनोटाइप बताइए, फिर उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। हमारी हाइट कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता, ये तो डिपेंड करता है कि स्पर्म और एग के अंदर जब कॉम्बिनेशन जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में कितने एलील्स आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे हाइट बढ़ जाएगी, जैसे नंबर कम होगा हाइट कम हो जाएगी। ये आपको किसी ऑप्शन में मिल जाएंगे, एक तो आप जानते ही हैं ह्यूमन स्किन कलर, दूसरा कोई और दे दिया, तीसरा और दे दिया, चौथा ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो केवल इस बात को समझाने के लिए कि देर आर सो मेनी पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म, तो आपको इनमें से कुछ मैंने लिख दिए, वो याद कर लीजिए। तो आज हमने जितना भी डिस्कस किया वो था डेविएशन ऑफ मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और एक हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड एलील, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये सब। तो ये सब वो चीजें थी जहां पे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें डेविएशन मिले। डेविएशन डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी हैं, बट डाईहाइब्रिड के जो डेविएशन हैं, टू जीन इंटरेक्शन के जो डेविएशन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वो नहीं पढ़ रहे और आपको कहीं से पढ़ने नहीं है ना। एक चीज बहुत सिंपल से याद रखिए, आपका एम होता है मेडिकल एग्जाम के हिसाब से बॉटनी पढ़ना, ना कि आपका एम ये है कि आपको बॉटनी में पीएचडी करनी है ना। मेरे स्टूडेंट्स को मेरा पहला लेक्चर जब दिया जाता है तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं सबसे पहले बोलता हूँ देयर इज ए वर्ड कॉल्ड रेलेवेंस, आपको उतनी नॉलेज बॉटनी की चाहिए जो आपके AIPMT या नीट के लिए रेलिवेंट है। कोई भी चीज जो इररेलीवेंट है वो आपका बर्डन बन जाएगा, जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे तो पता चला इतनी मोटी किताब हो गई। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ नया मिलता गया और कॉपी में नोट करते गए, ये भी याद कर लेता हूँ एक ही लाइन तो है, ये भी याद कर लेता हूँ एक ही लाइन तो है, ऐसा करते करते जब तक सिलेबस खत्म होगा 1000 लाइन इकट्ठा हो जाएंगी एक्स्ट्रा, और जिसका कोई यूज नहीं है, उसमें से कुछ नहीं आना नीट में। तो इसलिए रेलिवेंसी के हिसाब से पढ़िए, जो चीज रेलिवेंट नहीं है उसको समझ लीजिए, आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपको बॉटनी पढ़ानी नहीं है किसी को जाके, आपको अपनी जेनेटिक्स पढ़नी है जो आपके नीट में इंपॉर्टेंट है। आज हमने जितना भी पढ़ा वो, जैसे मैंने बोला आपको कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डेविएशन मैंने पढ़ा दिए, पता चला आपके कोई स्कूल के बैचमेट्स हैं और वो कहें कि सर हमारे यहाँ तो डाईहाइब्रिड के भी डेविएशन पढ़ाए गए, डाईहाइब्रिड के डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, उनको पढ़ा के आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, और ये नॉलेज आपके काम की भी नहीं है, क्योंकि जब आपको बॉटनी में कुछ पढ़ना है तो उसके लिए बीएससी में पढ़ लोगे, उसको अभी से 12th में क्यों पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अभी तक मेंडल ने जो भी कहा और आज जो हमने नॉन मेंडलियन पढ़ा, इन दोनों बातों को अब हम अप्लाई करेंगे ऑन क्रोमोसोम। मेंडल ने, हमने स्टार्टिंग में शुरू की क्लास में मैंने बोला था कि मेंडल ने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था उनके फैक्टर का, कि वो फैक्टर सेल में कहाँ होते हैं। आज हम जानते हैं कि वो फैक्टर या वो जीन क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, तो मेंडल का ही कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम पे कैसे अप्लाई होगा, यहां से हमारा नया एंगल शुरू होगा। है तो मेंडलिज्म ही, सेम आएगा डोमिनेंस सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट ऑन क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अभी तक जैसे हमने पढ़ा है फैक्टर के हिसाब से इनहेरिटेंस, अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के हिसाब से इनहेरिटेंस। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक डाउट है कि जैसे हमने इस चैप्टर में हर जगह मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई है, तो जैसे पी प्लांट जो है वो तो नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन करता है, तो वो सेल्फ कंपैटिबिलिटी शो नहीं करता? नहीं, पी प्लांट के अंदर एक्चुअली सेल्फ कंपैटिबिलिटी है नहीं, सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी जो भी है वो कुछ प्लांट्स में होती है, सब में नहीं होती, तो पी के अंदर है नहीं, इसलिए कोई इशू नहीं है। अगर आप ब्रैसिकेसी फैमिली यानी मस्टर्ड ले लें, या आप सोलेनेसी में टोबैको का प्लांट ले लें, तो वहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी का भी इशू है, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, तो जहाँ वो चीज आएगी वहाँ देखा जाएगा। अब ये तो जैसे मेंडल ने जब वर्क स्टार्ट किया तो कुछ जगह तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, कुछ जगह उनका लक काम कर गया, इसलिए कोई इशू क्रिएट ही नहीं हुए,
लेकिन जब और प्लांट्स का काम किया गया, एनिमल्स को देखा गया, तो कहीं पे सेल्फ है, कहीं पे क्रॉस है, कहीं पे F1 स्टराइल बन जाता है, तो आगे जाओगे कैसे F2 में? P के साथ तो ये भी दिक्कत नहीं है, F1 फर्टाइल है, आप आसानी से F2 में जा सकते हैं। ये चीजें P में ऐसा केस नहीं है, है ना? टोबैको, मस्टर्ड, उन सब में कंपेटेबिलिटी होती है, पी प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं। एनीथिंग एल्स, कुछ और किसी को पूछना है? No. Next class में पढ़ेंगे chromosomal basis of inheritance. तब तक आप इसको अच्छे से करिएगा, DPP live हो जाएगी कुछ घंटों में आपकी, या maybe शायद कल सुबह तक हो जाए। पिछली DPP आपको मिल गई होगी, पिछली क्लास में किसी ने बोला था कि DPP botany के इस चैप्टर की नहीं आई थी, तो मैंने आपको 3 क्लासेस के लिए 3 DPP दे दी थी। टेस्ट कैसा किया है आप लोगों ने? चलेगा सब लोग सर? अभी मंडे को भी टेस्ट है, उसमें कितना आएगा? इस मंडे को? यस सर। यस सर। यस सर। आपका आपका इस मंडे को हुआ होगा परसों? नो सर, लास्ट मंडे नहीं था। ओके, तो फिर तो यही आएगा, बस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो मैंने पढ़ा दिया है, जितना पढ़ा दिया इसी में से आ जाएगा। लेकिन सर, नागेश सर ने कहा था कि पूरा सिलेबस आएगा अभी तक जो पढ़ा दिया हर सब्जेक्ट का। फिर अभी मुझे नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप मान लीजिए कि जो मैंने पढ़ाया वो तो है ही, और जो चैप्टर्स आपने पहले पढ़े हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो भी आ जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट अभी पूरा नहीं हुआ जितना है, आपने मुझे बोला था कि वो फर्टिलाइजेशन तक तो हो ही गया था, तो मैं इसको कंसर्न में रखूंगा। मैं आपको क्वेश्चन अगर दूंगा भी तो फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन के दे दूंगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के छोड़ दूंगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चल ओके, बाय। थैंक यू सर।